अभी भोजन के समय तक ये सेशन चलेगा और उसमें हम प्रथमतः दोष धातु मल की कल्पना, उसके बाद प्रकोप की कल्पना और स्वतंत्र परतंत्र प्रकोप, ये जो प्रकार है इसका हम अध्ययन करेंगे। जिन्होंने पहली बार इसको सुना है तो उनको लगेगा कि ये बार बार वही बोलते हैं, ऐसा लगेगा, पर यहाँ जितने आज 70-80 लोग हैं उसमें से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग प्रथमतः किसी निरूपण में आए हैं और कुछ लोग तो फर्स्ट ईयर के हैं छात्र, कुछ फर्स्ट ईयर BMS के हैं, इसलिए ये विषय लेना आवश्यक है, वरना हम आगे के विषय लेने वाले थे। पर जब भी हमने सारा जो देखा कि कौन कौन आया है, तो फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको ये पढ़ाए बगैर अगर आगे जाएंगे तो वो थोड़ा सा उनको कठिन होगा, इसलिए हम ये विषय आज पहले आज के दिन में ये पढ़ेंगे। कल हम गुल्म प्रमेह लेंगे और परसों वात व्याधि और आवरण लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम मतलब मेरा सेशन के व्याख्यान में बता रहा हूँ, बाकी के जो है उनके अलग अलग विषय रहने वाले हैं। तो अभी आदरणीय गुरुजी धर्माधिकारी सर जी ने जो विषय रखा है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं दीपन संस्कार, बराबर है। दीपन, दीपन इसका अर्थ क्या है कि एक ज्योत जलानी पड़ती है, एक धूल झटकनी पड़ती है, दिमाग के ऊपर जो एक तम का आवरण आ जाता है वो झटकना पड़ता है, वो काम सर का होता है, वो सर पहले व्याख्यान में करते हैं। अब इसके बाद में हमें आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। हम जब खाना खाने बैठते हैं तो ऐसा होता है क्या कि पूरा थाली जो है वो एकदम ऐसा मुंह पे लगाया और सब खा लिया, ऐसा नहीं होता। हम एक एक पदार्थ खाते जाते हैं, पहले राइस खाएंगे, फिर रोटी खाएंगे, फिर मीठा खाएंगे, ऐसा करते करते धीरे धीरे हम एक 10-15 मिनट में वो पूरा खाना खा लेते हैं और मात्रावत आहार लेते हैं। उसी प्रकार से अगर समुचित आयुर्वेद का अध्ययन करना है तो वो एकदम से नहीं होगा, उसको कुछ समय लगता है। उसी प्रकार से किसी भी कार्य करने के लिए भी कुछ समय की आवश्यकता होती है, वो कार्य खड़ा होने के लिए। तो ये जो निरूपण यहाँ पे हो रहा है या ये जो जगह यहाँ पे अब प्रसिद्धि के करार पर है, तो उसके पीछे का थोड़ा सा मैं पहले बताना चाहूंगा। जिनका यहाँ पे फोटो है आपके सामने और जो इस सारे प्रोग्राम और जो ये पूरा इवेंट होता है या जो यहाँ पे कार्यक्रम का जिनकी प्रेरणा है या जिनका नाम इस संस्था को दिया है, वो वैद्य अनंत बाकरे जी, और वैद्य आप सभी को पता है नाना जोशी धुलिया के पंचकर्म महर्षि जिनको कहते हैं, ये दोनों विपश्यना के साधना के लिए भुज के विपश्यना केंद्र में आए थे 2010 में, और वहां पे विपश्यना एक 15 दिन का उनका कार्यक्रम था। वो दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों समवयस्क थे और शास्त्र ज्ञाता थे, और विपश्यना की साधना भी एक साथ करते थे। दोनों की उम्र उस समय 75 के आसपास रहेगी। तो वो भुज के केंद्र में गए थे और वहां पे पढ़ते समय नाना जी को एक संदर्भ मिला कि ये गुजरात में धन्वंतरी जी का मंदिर है। अशोक तलाविया ऐसा लेखक का नाम था और उनका वो आर्टिकल था और वो पढ़ा उन्होंने उस वहां पे, और उन्होंने कहा कि यार धन्वंतरी जी का ऐसा स्थल है और हमें पता नहीं, इतनी पीढ़ियों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं और धन्वंतरी की जो ऐसी जगह है हमें किसी को पता नहीं है। तो वो भुज से वो पूरा विपश्यना खत्म होने के बाद उनको तो जाना था पुणे, पर वो जर्नी कैंसिल करके वो पहले यहाँ आए। आज हम बहुत आसानी से यहाँ आए, बहुत बड़ा रास्ता हुआ है, हाईवे हुआ है सोमनाथ तक, लेकिन वो जब आए थे तब एक सिंगल रोड राजकोट से लेकर सोमनाथ तक सिंगल रोड, 10 साल पहले की बात है, 12 साल पहले सिंगल रोड था, इतनी ट्रैफिक नहीं थी, और वहां पे उतरे पता नहीं कहाँ उतरना है, तो पूछते एक वेरावल चले गए, वेरावल से फिर गड़ू आए, गड़ू से फिर वो छकड़ा लेके दोनों यहां तक आए, यहाँ पे सब देखा और देखने के बाद सब यहाँ पे थोड़ा सा पूजा वगैरह करके पुनः चले गए। और जाते जाते उनके मन में ऐसा विचार आया दोनों के कि ये जो जगह है ये सबको पता होनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो पहले वहां पे जाके पूरा उस जगह का अध्ययन करके कहा क्या है क्या नहीं है वो देखना चाहिए। तो उसी साल के अगस्त महीने में गणपति उत्सव के थोड़े से आजू बाजू में दोनों ने तय किया कि हम वहां जाएंगे और एक महीना रहेंगे यहां पे। तो क्या हुआ कि दोनों जा रहे पर बाकी के जो उनके रिलेटिव है, जैसे हमारी माता जी यहां बैठी है, बाकरे सर जी की धर्मपत्नी वो यहां बैठी है,
तो वो उन्होंने कहा कि नहीं आप इतने अभी आप अबाउ 70 हो, किसी को साथ में लेके जाइए। तो बाकरे जी ने धर्माधिकारी सर को पूछा कि आपका कोई विद्यार्थी होगा तो आप हमें बता दीजिए, अच्छा कोई जो मतलब ऐसा नहीं कि उसका ही सब करना पड़े, नहीं जो हमारे साथ रहेगा हमें मदद करेगा ऐसा कोई। तो मेरा नाम उन्होंने बता दिया, मैं उस समय जस्ट MD कर हो चुका था मैं, और मतलब रिजल्ट बाकी था मेरा आने का, एग्जाम हो चुकी थी फाइनल MD की। तो मैं तो मतलब आज्ञा जो है वो करना, यही मेरा धर्म था उस समय भी, जहां जाना है वहां उनके साथ जाना था। तो इतना बड़ा सौभाग्य कि नाना जी और बाकरे जी के साथ में यहाँ रहना। तो हमने टिकट्स बुक किए, सब हो गया, और एन समय पर बाकरे जी को कुछ कौटुंबिक कारण के कारण कोई बीमार था घर में, तो वो उस समय नहीं आ पाए। और नाना जी और मैं हम दोनों ट्रेन से पहले केशोद आए, केशोद में एक दिन रहे, और मैं तो बहुत डरा हुआ था क्योंकि इतनी बड़ी व्यक्ति के साथ रहना। फिर भी धर्माधिकारी सर जी के साथ 3-4 साल से निरूपण चल रहे थे, तो एक पता था कि इतने बड़े व्यक्ति के साथ रहते समय क्या क्या मतलब कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। तो फिर वो केशोद में आए, केशोद से फिर दूसरे दिन सुबह गड़ू में आए। बिल्कुल कोई रेलवे वगैरह ऐसा ज्यादा मतलब ये नहीं था, ट्रैफिक मतलब गाड़ियां भी नहीं मिलती थी, और वहां से फिर हम पैदल चलते चलते दोनों गड़ू से, क्योंकि गाड़ी नहीं मिल रही थी तो पैदल चलते। अभी रास्ता अच्छा हो गया है, उस समय मिट्टी का रास्ता था, जंगल था, ज्यादा कोई आता जाता नहीं था। हम चलते चलते यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद ये इतना बड़ा मंदिर नहीं था, यहाँ पे एक छोटी सी एक घर था, यहाँ पे यहाँ बैठे हो या घर था, और एक मिट्टी का सारा यहाँ पे ऐसा था, ये था ये जो जगह है वो, और ये छोटा मंदिर आगे का मुक्तेश्वर जी का, ये ऊपर तो कुछ नहीं था, ये सिर्फ समाधि थी छोटी सी। तो यहाँ हम आए, आने के बाद में नदी में स्नान किया, स्नान करने के बाद में हम जो धोती होती है भगवान की पूजा वो पहन के पहले मुक्तेश्वर की पूजा की, फिर इसकी पूजा की। तो कुछ लोग आ गए गांव के, और एक पुजारी भी थे, तो उन्होंने मुझे धीरे से पूछा कि क्या आप घर से भाग के आए हो, आप सन्यासी हो क्या, आपके गुरु जी के साथ आप कहीं जा रहे यात्रा करने के लिए जा रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, हम तो वैद्य है, ये बहुत बड़े महाराष्ट्र के जाने माने वैद्य है, और मैं एक विद्यार्थी हूँ आयुर्वेद का। जैसे पता चला कि ये डॉक्टर आए वैद्य आए, पूरा गांव हमें देखने के लिए, क्योंकि इस पूरे 5-6 किलोमीटर में उस समय कोई डॉक्टर नहीं था। और फिर यहाँ पे OPD शुरू हो गई हमारी, और नाना जी की प्रैक्टिस जिन्होंने देखी है या जानते हैं, कम से कम मात्रा में उनको वो दूध पिला के वमन करते थे, आसान आसान तरीके से वो चिकित्सा करते, तो वो मुझे सीखना मिल गया, विद्य कर्म अग्निकर्म यहाँ पे हो गया। और इस जगह पे बैठ के पूरा सुश्रुत संहिता का एक पारायण मेरा हो गया, और नाना जी बैठे थे वहां पे, एक छोटी सी धन्वंतरी की पीतल की मूर्ति रखी है, वो हमने दो मतलब नाना जी ने लाई है, वो वहां पे उसकी पूजा करके रखी है, बाहर है मतलब वो कांच के बाहर रखी है। और बहुत आनंद से एक बीच में 2 दिन कस्तूरी सर जो पंचकर्मा अहमदाबाद के बहुत बड़े पंचकर्मा महर्षि थे, उनकी किताब भी मिलते हैं, वो 2 दिन आके रखे थे। फिर बाकरे सर जी रहने के लिए आए कुछ दिनों के बाद, और फिर बहुत मतलब वो एक मेरे जीवन का तो एक परिवर्तन का काल था कि नाना जी जैसे क्या कहते हैं ऋषितुल्य व्यक्ति के साथ यहाँ 1 मास रहना। बहुत मोर है यहाँ पे, मयूर की संख्या बहुत ज्यादा है, और हम जहाँ पे कथा तो बाद में बताऊंगा, पर यहाँ ये एरिया तक्षक का है, तक्षक नाग का ये एरिया है, और यहाँ पे आगे उनकी गुफा है, वहां पे जाएंगे। और सारे अगर द्रव्य आप देखोगे अब कम हो गए हैं, पर जब हम आए तो सारे विषग्न वनस्पतियां है यहाँ पे, इंगुदी बहुत मिलती है, अंकोल है, और सारे विषगनाशक वनस्पतियां ज्यादा जिनका द्रव्य गुण का ज्ञान है वो देखिए, हमें भी बताए आपको कुछ पता चलेगा। तो इस प्रकार से इसका स्थान महात्म्य क्या है वो हम बाद में बताएंगे। फिर एक बात आई कि यहाँ पे संहिता का पारायण होना चाहिए, हम तो अपना वैयक्तिक काम करके गए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस स्वसीमित रहना चाहिए। तो यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से लोग आए, उनको संहिता के अध्ययन करें, जो सुश्रुत धन्वंतरी जी का कार्य है वो सबके सामने रहे, चरण जी का कार्य, ये बाकरे जी की बहुत बड़ी इच्छा थी और नाना जी की भी बहुत, तो दोनों ने तय किया कि यहाँ पे निरूपण करेंगे। तो 2011 में मुझे लगता है अगस्त का ही महीना होगा, धर्माधिकारी सर जी, नाना जी, बाकरे जी, नाना जी नहीं थे, बाकरे जी और मैं, 3 लोग हम यहाँ पे आ गए, और निरूपण के लिए हम आ गए। पर जिन्होंने भूतनाथ में जो रहने की जो व्यवस्था वहां पे, तो एक भी विद्यार्थी नहीं, उन्होंने जिन्होंने आयोजन किया था विद्यार्थी एक भी नहीं। तो आजू बाजू के गांव में जो वैदु होते हैं जिनको डिग्री नहीं है,
स्कूल में भी गए नहीं, लेकिन गांव में प्रैक्टिस करते हैं, दवाई देते हैं। जैसे यहाँ पे लाखा भाई नाम के हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है उनको वनस्पतियों का। ऐसे 10-15 वैदु सामने बैठे हैं, तो उनको अब निरूपण तो होता है हमारा, पर उनको क्या सीखा है। फिर उनके लेवल पे जाके गुजराती में धर्माधिकारी सर ने 2 दिन व्याख्यान दिए। फिर अगले साल में मेघना जी भी हमारे साथ में, मतलब उस समय वो पढ़ उनका MD चल रहा था, वो भी हमारे साथ में ज्वाइन हो गई। और फिर 2011 से ये सिलसिला निरूपणों का हर साल चलता रहा है। बीच में केवल 2015 में एक बार गैप हुआ है, बाकी निरंतर ये प्रक्रिया चलती आ रही है। तो उसके बाद में एक एक जुड़ते गए, डॉक्टर गया मैडम जो यहाँ निरूपण में जुड़ गई, बाकी के जो जो है सब एक एक करके इस जुड़े, और एक एक कार्य बढ़ता गया, और आज हम 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हैं। हर साल में जनवरी के फर्स्ट वीक में, लास्ट वीक में ये निरूपण यहाँ पे होता है। ऐसी मंशा है कि और एक, मतलब साल में 2 बार ये कार्यक्रम हो जाए, ऐसे एक मंशा यहाँ पे आगे देखते हैं, क्योंकि वो आयोजन करना वहां नासिक पुणे से यहाँ आयोजन करना थोड़ा कठिन है हमारे लिए। तो वो होता रहता है, बहुत जगह से लोग आके गए हैं। अगर 12 साल का हम करेंगे तो कम से कम 1200 लोग तो कम से कम यहाँ पे आके संहिता अध्ययन करके गए हैं। और कई लोगों का अनुभव ऐसा है कि यहाँ इस जगह पे 3 दिन रहने के बाद हमारे मन में, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, प्रैक्टिस में परिवर्तन आता है, एक प्रकार से एक दिव्यता का अनुभव होता है, एक शांति मिलती है। क्योंकि ये मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में स्मशान है, तो विरक्ति का भाव भी थोड़ा सा आ जाता है। और ये तक्षक की गुफा है यहाँ पे, तो जो दर्शन लेता है उसको 1 साल तक सर्प का भय नहीं होता है। जिनको सपने में नाग आते हैं, जिनको सपने में मतलब सर्प दर्शन होता है, सर्प का भय है वो चला जाता है, ऐसा अनुभव हमारे विद्यार्थियों का आज तक का है। और इसके बाद में 16-17 साल में ऐसी कल्पना आई कि क्यों ना ये जो काम चल रहा है इसको एक संस्था का रूप, ट्रस्ट का रूप दिया जाए, ताकि वो नियम से चले। हम नहीं रहेंगे कुछ साल के बाद, कुछ वर्षों के बाद, फिर भी ये कार्य चलता रहेगा। जो आगे के लोग हैं वो इससे जुड़ेंगे, वो इस ट्रस्ट में काम करेंगे, फिर वो आगे चलेंगे। ये प्रक्रिया चल के यहाँ पे ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए, संहिता अध्ययन होना चाहिए, इसमें ट्रस्ट का और हमारा खुद का वैयक्तिक कोई भी क्या कहते हैं, इच्छा अपेक्षा लाभ कोई नहीं है। ये केवल एक वैद्य बाकरे जी और वैद्य नाना जी ने जो एक प्रयास किया, शुरू किया, वो आगे लेके जाना है, इतना ही इसका हमारा ये व्रत है हम सबका। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप भी इसमें से जुड़ सकते हैं। तो इसे जैसे ट्रस्ट का मैडम ने बताया, वैसे ये प्रोग्राम शुरू कैसे हुआ ये बताने की हमारे सबकी मंशा थी, तो मैंने संक्षेप में बताया। बाकी इस जगह का जो इतिहास है वो हम शाम को अनौपचारिक चर्चा में विस्तार से हम करेंगे। इतना ही बताता हूं, ये अति प्राचीन जगह है, महाभारत काल से यहाँ पे घटना हुई है। क्या क्या हुई है, कैसे हुई है, शाम को देखेंगे। हम अभी हमारे विषय पर आते हैं। पहला विषय है हम लेंगे वो दोष धातु। ऐसे मैंने बताया कि ये विषय स्किप करने वाले थे हम और अगला विषय लेने वाले थे, लेकिन आज देखा तो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, अभी मतलब एडमिशन नवंबर में एडमिशन हुई है और अभी निरूपण में आए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम है, जिनको जिन्होंने पहली बार सुना है। ऐसे भी कई मेरे सामने हैं कि जो 2-3 बार आके सुने हैं अलग अलग जगह पे, कोई देहरादून में मैंने मेरा लेक्चर सुना है, धर्माजी के सर को सुना है, कोई अथणी के दारम तीर्थ में प्रोग्राम में आए हैं, अलग अलग जगह पे गांधीनगर में प्रोग्राम हुआ था वहां पे सुना है, तो उनको शायद रिपीट होगा, लेकिन बेसिक बताना पड़ेगा, इसलिए मैं फिर से ये विषय रखना चाहूंगा। सर ने अभी उनके व्याख्यान में कहा कि हम दोषों की चिकित्सा करते हैं, हम व्याधि की चिकित्सा करते हैं, इसका अर्थ व्याधि निर्माण करने वाले दोषों की चिकित्सा करते हैं। तो दोष क्या है हमें वो पता होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, हम सब BMS होता है, MD होता है, चिकित्सा करते हैं, कल्प कंठस्थ होते हैं, द्रव्य कंठस्थ होते हैं, पर दोष क्या है पूछा तो उत्तर दे नहीं सकते कोई भी व्यक्ति। मेरी भी अवस्था वही थी कि दोष क्या है पूछा तो वाता पित्त कफ है, पर वो क्या है ये पूछा तो ज्यादा एक दो वाक्य में कि ये बेसिक एलिमेंट्स है, बॉडी के एलिमेंट है। एक विद्यार्थी को पूछा तो वो तो कहने लगा कि ये तो इमेजिनरी है, क्रियात्मक है ना, ये इमेजिनरी है, शरीर में दिखाई नहीं दे सकते हम इसको, ये कल्पना है, क्रिया बताने के लिए कल्पना करके। ऐसा एक किताब में भी है, एक बहुत बड़े वैद्य ने क्रिया की किताब लिखी है इंग्लिश में, उसमें लिखा है कि दोष ये कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक क्रियात्मक भाव है जो कल्पना से क्रिया वर्णन करने के लिए बताए। तो ये जो सारी गलत फहमियां, गैर अर्थ जो है,
ये निकालने के लिए दिमाग से हमें पहले दोषों का अध्ययन करना पड़ता है कि दोष एक घटक क्या है, ये है क्या, ये बात पढ़ना पड़ता है। तो दो सूत्र पहले हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। सुश्रुत संहिता जिनके सामने है या नहीं होगी वो संदर्भ लिख के रखिए, सुश्रुत संहिता अध्याय 35। पेज नंबर 153 जिनके सामने सुश्रुत सटीक है, और अध्याय 35 का सूत्र नंबर 19 मिल गया। नास्ति रोगो बिना दोषैहि यस्मात् तस्मात् विचक्षणाः अनुक्तम अपि दोषाणाम् लिंगैहि व्याधिम् उपाचरेत्। इसका अन्वय ऐसा है कि यस्मात् दोषैहि विनः, दोषैहि तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तीनों दोष के बगैर, दो बिना मतलब इसके बगैर, दोषे ही बिना रोगाहा नास्ति, रोगो मतलब रोगाहा, ये विसर्ग है, विसर्ग का कभी कभी रोगो ऐसा कर देते हैं, तो रोगाहा अनेक सारे रोग हैं वो दोषों के बगैर होते नहीं है, नास्ति। तस्मात अनुक्तम अपि दोषाणाम, अनुक्तम अपि व्याधिम दोषाणाम लिंग ही उपाचरित, जो अनुक्त व्याधि जिनका वर्णन इस ग्रंथ में नहीं किया गया है, ऐसे व्याधि आज हमारे सामने बहुत है, कैंसर है, एड्स है, कैड है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, सेरेब्रल हेमरेज है, वेरिकोज वेन्स, कई नाम हमारे पास अभी पता है, जो अनुक्त जो ग्रंथ में जिनका नाम नहीं है, ऐसे व्याधि की चिकित्सा उपाचरित कैसे करना चाहिए, उपाचरित जैसे सर ने बताया अभी क्रियापद है, तो चर धातु है, उप आदि का आ उसका उपसर्ग है, उसका कर्मणि विद्यर्थ ये किया गया है, तो ये उपाचार्य मतलब चिकित्सा करना है, वो कैसे करनी है, दोषे ही दोषाणाम लिंग ही, दोषों के लक्षण देखकर हमें चिकित्सा करनी है। इसलिए हमें जानना क्या है, दोष ज्ञान हमें होना चाहिए। जो व्याधि ग्रंथ में वर्णन नहीं किया, नाम नहीं दिया, कैंसर का नाम नहीं ग्रंथ में, और हमारे पास पेशेंट आया, तो हमें क्या करना है, उसके शरीर में उसके अभी दोषों के क्या लक्षण है इसको ढूंढना पड़ता है, और उसके लिए हमें दोष ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब सुश्रुत का ही 21वां अध्याय वर्ण प्रश्नीय अध्याय, निकाला सबने, 99 नंबर का पेज है। अब वो कहते हैं कि व्रण प्रश्न का अर्थ टीका में दिया है, व्रण का अर्थ दोष ही दिया है, व्रण शब्द न पहली टीका की पहला वाक्य, व्रण शब्द न दोषः वातादयः उच्यन्ते, सुश्रुत में व्रण का अर्थ वुंड ऐसा बाद में है, पहले दोष है। ठीक है, वो कैसा है क्या है वो आगे के अध्याय में हम देखेंगे डिटेल में, पहले यहां रखिए कि व्रण का अर्थ एक दोष भी है, इसलिए सुश्रुत ने भी हर जगह पे दोषों का विचार करके चिकित्सा दी। मैं चरक में क्यों नहीं गया हूं अभी, क्योंकि हमें लगता है शल्य तंत्र का क्या है, बट काट डालो, सिस्ट हो गया काट डालो, एब्सेस हुआ काट डालो, ड्रेन कर लो, फ्रैक्चर हुआ है संधान कर लो, दोषों का विचार ही नहीं। सुश्रुत में जितने अच्छे संदर्भ है वैसे संदर्भ चरक में भी नहीं है, इतना अच्छा और दुर्दैव से ये बाजू रखा है। मैं सीसीएम की सिलेबस कमेटी में रिकॉर्डिंग चल रहा है, फिर से बोल रहा हूं, जानबूझ के बोल रहा हूं, सिलेबस कमेटी, ये भी थे सिलेबस कमेटी में हमारे, एज अ एमडी स्टूडेंट है हमारे, इनको पता है सब क्या हुआ। हमने रखा था कि आप सिलेबस रिफॉर्म कर रहे हो, तो हमारी ये इच्छा है कि हर साल में तीन अभी वर्ष किए हैं, डेढ़ डेढ़ साल के तीन साल किए हैं, तो उसमें आप सुश्रुत के भी कुछ अध्याय डालिए, कौन सा डालना है हम तय करते हैं, हर साल में पांच पांच अध्याय डालिए, जो संहिता के अध्याय है, शल्य के और शारीरिक के अध्याय नहीं, जो संहिता के अध्याय है वो डालिए आप, बेसिक संहित सिद्धांतों के अध्याय। तो जो सबसे बड़े व्यक्ति है उन्होंने कहा कि आपको क्या भेसड़ करनी है, इकट्ठा करके केवल ये करना है, बिल्कुल नहीं चलेगा, एक ही संहिता रहनी चाहिए। बहुत झगड़ा किया हमने बहुत, और फिर वो वाग्भट के 15 अध्याय बचे अभी फर्स्ट ईयर में, तो वो भी गायब करते थे। तो सुश्रुत पढ़ना चाहिए, सुश्रुत बिना पढ़े बहुत चीजें अनुक्त रह जाती है, समझ में नहीं आती,
इसे सुश्रुत का अध्ययन होना चाहिए। इसी इसका जो श्लोक है वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी पहले देखेंगे 4 नंबर का श्लोक। नरते देहा कफादस्ति न पित्ता न च मारुतात् शोणितादपि वा नित्यं देह एतेस्तु धार्यते। अब एक गलत फहमी ऐसी है कि सुश्रुत ने 4 दोष कहे, रक्त को दोष कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है। उन्होंने 3 दोष ही कहे, लेकिन अधिकरण शल्य होने से उनको रक्त का विचार करना पड़ता है हर जगह, इसलिए वो वह। और यहां रक्त से अभिप्रेत, जैसे लेशोक्ता अभिसर ने कहा, सभी धातुएं लेने हैं, ठीक है। तो वो हमारा वाक्य अभी दोषों के लिए देखते हैं हम, कि नरते, नरते की संधि विग्रह है, न रुते, रुते ये अव्यय है, रुते का अर्थ बगैर, बिना देखा हमने वैसे रुते बगैर। न रुते देहा कफाद अस्ति, कफाद रुते देहा न अस्ति, ऐसा उसका अन्वय है। कफात पंचमी विभक्ति है, एक एक वचन पंचमी विभक्ति एक वचन, कफात देवात मतलब कफ के बगैर देहम नास्ति, देहा नास्ति, देह नहीं है। अब कर्ता होने से देहा किया है, करता है, देह करता है। यहां पे कौन बगैर नहीं है, किसके बगैर कौन नहीं है, देह नहीं है, इसलिए प्रथम विभक्ति की। कफ के बगैर देह नहीं है, मतलब इसका अर्थ क्या है, शरीर के यश्च यावत घटकों में श्लेष्मा है, श्लेष्मा केवल उरस्थन में नहीं है, हर जगह पक्वाशय में भी है, आमाशय में भी है, सारे स्रोतों में श्लेष्मा है। न पित्ता मतलब पित्ता रुते देहा न अस्ति, पित्त भी हर जगह पे है, ऐसा शरीर में एक भी जगह नहीं है जहां पित्त नहीं है, पक्वाशय में भी पित्त है। और आगे न च मारुतात्, मारुतात् रुते देहा नास्ति, वायु भी शरीर में सर्वत्र है, उरस्थान में भी है। देखो उरस्थान में केवल श्लेष्मा होता तो क्या सांस ले पाते हम, ये जो प्राण का कार्य चल रहा है वो वायु का चल व्यान इसका कार्य है, व्यानोदान का कार्य है, वो उसके कारण चल रहा है, वो उरस्थान में ही काम चल रहा है या सिर में चल रहा है, नहीं ना, उरस्थान में चल रहा है, तो वायु है वहां पे। सीने में जलन होती है ना, गाना है सीने में जलन, गाना सुना होगा आपने, जलन होती है, दिल हुम हुम करता है, तो पित्त है वहां पे, दिल जलता है तो जलने दो कहते हैं कि नहीं, मतलब पित्त का प्रकोप हो सकता है उरस्थान में। तो इसका कारण क्या है, इसका अर्थ क्या है, कि तीनों ही दोष शरीर के यश्च यावत घटकों में, तीनों दोष पक्वाशय कटी शक्ति श्रोता स्पर्श इंद्रिय में केवल वायु है नहीं, वो वायु के विशेष स्थान है, वहां बाकी के 2 दोष भी है। कहने का प्रयास ये है कि तीनों दोष, ये शरीर तीनों दोषों से बना है, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, इसका अर्थ क्या है, दोष ये शारीर भाव है। पहला दोष ये शारीर भाव है, ये क्रियात्मक ठीक है वर्णन किया है, पर शारीर है, कैसे है क्या है आगे देखेंगे, ठीक है। वायु का अलग लेक्चर होने वाला है हमारा, तो उसमें वायु का विस्तार होगा। अब इसी अध्याय में पहला श्लोक है 3 नंबर का, मतलब पहला मतलब पहले दोष हमेशा ग्रंथ में किसी भी अध्याय में 1 और 2 नंबर के श्लोक होते हैं, वो गद्य सूत्र होते हैं स्टार्टिंग के, कि अथवा तो वर्ण प्रश्न अध्याय व्याख्यास्यामा, ये पहला नंबर, इतिहो यथा उवाच भगवान धनवंतरी चरक में इतिहो स्मः भगवान अत्रेय, 2 नंबर का। इसलिए जो पहला श्लोक होता है उसको 3 नंबर दिया जाता है। अब एक बात में ध्यान में रखिए, ये नंबर ये संपादन किए हुए है आचार्यों ने दिए, मेरा क्या पॉइंट समझ में आया, ये नंबर जिन्होंने ये संपादन किया यादवरी त्रिकम या आचार्य या जो भी कोई होंगे, इन्होंने नंबर दिए हैं। अगर आप मूल ग्रंथ कोई हस्तलिखित पढ़ोगे नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो कभी कभी किसी ट्रांसलेटेड बुक में नंबर अलग होते हैं, संपादित टीका में नंबर अलग होते हैं, तो झगड़ा नहीं करने का उसमें, होते क्योंकि नंबर हमने दिए है, किसी का उसमें गलती हो सकती है। तो पहला श्लोक है उसका, वात पित्त श्लेष्मणः एव देह संभव हेतवः। अब देह मतलब शरीर
संभव उत्पत्ति हेतवाह, अब बताइए कौन सी विभक्ति है? हेतु उकारांत पुल्लिंगी, तद हेतु ना नपुंसक लिंगी है या पुल्लिंगी है, वो हेतु पुल्लिंगी है, हेतवाह बहुवचन। तो कौन है, क्यों बहुवचन, क्योंकि तीन है दोष। वात पित्त कफ क्या है, देह के उत्पत्ति के हेतु है। अब इसकी टीका पढ़िए नीचे, देह संभव हेतवाह इति देहो उत्पत्ति हेतवाह, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, एक कोई आया प्रश्न आपके मन में, हम कह रहे हैं या सुश्रुत कह रहे हैं दोष ये देह के उत्पत्ति के हेतु है, कुछ गलत लगा, कुछ प्रश्न आया, डलन जी के मन में प्रश्न आया और वो प्रश्न रखते हैं, ननु ननु बोला अरे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो गया, हमें तो आज तक पता था कि शुक्र शोणित देह उत्पत्ति हेतु, शुक्र शोणित से देह का निर्माण होता है, गर्भ का निर्माण होता है, यह हमें पता था। तत् कथम वातादयो देह संभव हेतवा उच्छन्दे कथ्यन्दे, तो कैसे दोष ये देह के उत्पत्ति के हेतु हो सकते हैं, हमें तो शुक्र शोणित पता है। प्रश्न समझ में है? अब खुद ही उसका उत्तर भी देते हैं, ये टीकाकारों की पद्धति होती है, खुद ही प्रश्न पूछने का और खुद ही उत्तर देने, इसी को टीका कहते हैं। टीका का अर्थ गाली देना ऐसा नहीं है, व्यवहार में टीका का अर्थ गाली दे रहे हो, उसका निंदा कर रहे हैं ऐसा अर्थ नहीं, टीका का अर्थ है उसका विवेचन करना, उसका टिप्पणी करना उस, और वो भी सशास्त्रीय ससंदर्भ, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया ऐसी टीका नहीं लिखी सकती, ससंदर्भ चाहिए, जो बोलेंगे उसको संदर्भ चाहिए। तो उच्चन देव उसका उत्तर दे रहे कि अविकृता वातादयः शुक्र आर्तवादी सहकारितया, शुक्र आर्तो क्या है, साधन है उसके, सहकारितया देहजन का अभिप्रेता, पिता के शरीर के प्राकृत दोष शुक्र के साधन से, माता के शरीर के प्राकृत दोष शोणित के साधन से देहजनन करते हैं, शुक्र शोणित उसके साधन है, उसमें क्या है दोष है, बीज में क्या है दोष है, उत्पन्न करने के हेतु कौन है दोष, वात पित्त श्लेष्म, ये नहीं पढ़ाएंगे हमें फर्स्ट ईयर में, स्त्री रोग में नहीं पढ़ाएंगे ये कि दोष निर्माण करते हैं। अब इसको तंत्रुति लगाएंगे इस वाक्य को विपर्य, अविकृता वातादयः शुक्र शोणित सहकारितया देहजन का अभिप्रेता, इसको लगाएंगे विपर्य, विपर्य मतलब उल्टा अर्थ लगा, विकृता वातादय शुक्र शोणित सहकारितया विकृता देहजन का भवन, जन्मजात व्याधि निर्माण होने के कारण यह है, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कंजनेटल डिसऑर्डर्स, माता के पिता के शरीर में अगर दोष विकृत है और उस विकृत अवस्था में उन्होंने बीज दुष्टि की है और ऐसी अवस्था में अगर गर्भधारणा हो गई तो उत्पन्न होने वाला बालक विकृत निर्माण हो, इसलिए हम जाति सूत्र अध्याय में अध्याय छोड़ दीजिए, प्रसूति तंत्र वगैरह जिन्होंने पढ़ा है वो क्या पढ़ाते हैं कि गर्भधारणा करने से पहले 3 महीने कम से कम आपको एक आहार का पालन करना है, शोधन करवाने हैं, शरीर के दोष जो दुष्ट है उनको साम्यावस्था में लाना है, फिर गर्भधारण करना, इसका कारण ये। अब आपके मन में थोड़ा सा प्रश्न रहेगा, किसी का संशय रहेगा, तो उसके लिए एक थोड़ा सा विषयांतर करके एक संदर्भ बता देता हूं, चरक शारीर स्थान अध्याय 4, चरक शारीर स्थान, चरक शारीर के पहले 4 अध्याय जेनेटिक्स से आयुर्वेद के, या आत्मवित्मा का वर्णन तो ठीक है, मैं जब बीएमएस कर रहा था ना तो शारीर स्थान डिजायर टू नो में था, इच्छा होगी तो बढ़िए, डिजायर टू नो मतलब कंपलसरी नहीं है, तो हमने नहीं पढ़ा था उस समय क्योंकि प्रश्न भी नहीं आते थे,
पेज नंबर 321 शारीर स्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 30। यतस्तु कार्ष्णेन अविनश्यन् विकृतिम् आपद्यते तदनु व्याख्यास्यामः। यदा स्त्रियः, देखिए अब बीज दृष्टि के होने वाले व्याधियों का वर्णन चल रहा है। यदा स्त्रियः, जो स्त्री जिसको माता होना है, यदा स्त्रियः दोष प्रकोपणानि आसेवमानायः, दोष प्रकोपणानि बहुवचन है, दोष प्रकोप के अनेक हेतु है, तीन दोषों के अनेक अनेक हेतु है, उनमें से किसी का आसेवमानायः, आसेवमान उसमें आ उपसर्ग है, सेवमान जो किया है, वान मान जब लगता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण, बराबर, मतलब मैं यहां चलते चलते आ गया, वैसे सेवन करते 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 क्या हो गया, दोषः प्रकोपितः, दोष पहले विकृत हो, या प्रकोपित का अर्थ विकृत है, प्रकोप हम आज ही देखने वाले आगे, दोष विकृत हो गए और शरीरम उपसर्पन्तः, शरीर में संचार करते करते शोणित गर्भाशय उपपद्यते, जब शोणित गर्भाशय में आकर स्थान संश्रय करते हैं। अब आसेवमान का एक अर्थ भी है कि वो दोष प्रकोप होकर डायरेक्ट शोणित गर्भाशय में नहीं जाएंगे, वो क्रमशः रस दुष्टि, रक्त दुष्टि, मांस दुष्टि आदि करते कर उसको आसेवमान कर, क्रमशः एक एक को दुष्ट करते 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 जब शरीर में विविध प्रकार संचार करते करते जब दुष्ट करते करते जाएंगे आसेवमाना यहां, तब जब शोणित गर्भाशय को दुष्ट करेंगे तदा नच कार्ष्णेन शोणित गर्भाशय दुष्यन्ति, कार्ष्णे मतलब अल्प संक्षेप, नच कार्ष्णे मतलब संपूर्ण, शोणित गर्भाशय को संपूर्णशः दुष्ट करेंगे तदा अयम गर्भम लभते, अगर इस समय में जब उस माता के शरीर के शोणित गर्भाशय दोषों से दुष्ट है, ऐसे समय में अगर गर्भधारणा उसको हो गई, तदा तस्य गर्भस्य, तो उसके गर्भ में मातृजानाम अवयवानाम अन्यतमो अवयव विकृति मापते एको अथवा अनेक, तो उस माता से उत्पन्न होने वाले जो मातृजा अवयव है, हृदय, वृक्क, आंत्र आदि जो प्लीहा वगैरह जो है, उसमें से एक या अनेक अवयव में जन्मजात विकृति उत्पन्न हो जाएगी, पर विकृत करने वाला कौन है, दोष। एक प्रकार की विकृति है, एक दूसरी भी प्रकार की विकृति, उसको अदृष्ट कहते हैं, वो आत्मज भाव लेके आता है, पिछले जन्म से आत्मज भाव लेके आता है वो बीज दुष्टि, और वो वहां पे अगर उत्कट होता है तो वो विकृत होता है, वो बाद में देखेंगे, पहले हम दोष समझ लेंगे। ये एक प्रकार की संप्राप्ति है, इस प्रकार से भी जो मतलब डायबिटीज टाइप वन, डायबिटीज है टाइप वन, मेरे पास अभी 7 बच्चे है टाइप वन के, ट्रीटमेंट चल रही है, उसमें से 5 बच्चे के जो माता है उन्होंने 9 महीने में बेशुमार दधि का सेवन किया है, दधि सेवन 9 मास में दधि कटोरा भर भर के दधि खाया है, डॉक्टर डायटिशियन बोलते हैं ना कड़ खाइए, शक्कर डाल के खाइए, बहुत बोलते हैं, गर्भिणी अवस्था में नहीं खाना चाहिए, काश्यप खोलिए आप, चौरक का जाति सूत्र अध्याय खोलिए, योनि व्यापद अध्याय चिकित्सा निकालिए, दधी नहीं खाना, दुग्ध घृत चलेगा वो भी मात्रा तय करनी पड़ेगी, अगर संतर्पण जन्य है, गर्भिणी अगर संतर्पण जन्य है तो सोच के देना पड़ेगा, ड्राई फ्रूट्स बंद करने पड़ेंगे, ये दोष प्रकोप का हेतु है, गर्भधारणा होने के बाद जो होगा वो रसज विकृति है, ठीक है, विषय बदल रहा है वो बाद में जाएंगे, तो विषय क्या है, बीज दृष्टि के लिए भी दोषी कारणीभूत है, इतने दोषों की महत्ता है तो उनको समझने नहीं चाहिए हमें, वो क्या है, कैसे है। अब क्या होता है, संहिता अध्ययन करने या लिखने की जो पद्धति है उसमें उन्होंने जो महत्व के भाव है उनकी व्याख्या नहीं दी है, कहीं पर भी अग्नि की व्याख्या नहीं है, कहीं पर इसको अग्नि कहते हैं, वायु की व्याख्या नहीं है, दोषों की व्याख्या नहीं है, प्राण की व्याख्या नहीं है, ओज की व्याख्या नहीं है, किसको ओज कहेंगे, नहीं दिया है, क्योंकि वो पद्धति है, या फिर ऐसा हुआ होगा कि प्रत्यक्ष आयुर्वेद अध्ययन करने से पहले जो व्याकरण शास्त्र, न्याय मीमांसा, दर्शन शास्त्र पढ़ के आते थे उसमें वो अध्ययन हो जाता था तर्क भाषा में, फिर वो आयुर्वेद का अध्ययन करते थे, अब हमने वो छोड़ दिया, हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर आते हैं,
तो हमारा विश्वास नहीं बैठता, कुछ भी लिखा है आयुर्वेद में, बराबर है। तो व्याख्या नहीं है, तो व्याख्या नहीं तो हमें करनी पड़ेगी। अब दोषयंती इति दोषः, ये व्याख्या नहीं है, ये निरुक्ति है। जो नए हैं उनके लिए फिर से बताता हूं, निरुक्ति और व्याख्या में क्या फर्क है। निरुक्ति मतलब वो जो शब्द है वो जिस संस्कृत व्याकरण में से धातु से बना है उसका क्या अर्थ है। जैसे वायु वाद धातु से है तो गति गंध ही उसका अर्थ है, पर केवल गति और गंध, ये वायु का पूरा स्वरूप नहीं है ना, वो क्या है वो बाद में देखने वाले। श्लिष आलिंगन श्लेष्मा, जो संधान करता है उसको श्लिष करता है उसको श्लेष्मा कहते हैं, और वो केवल श्लेष्मा का पूर्ण स्वरूप नहीं है। तो निरुक्ति का अर्थ है व्याकरणात्मक वर्णन, शब्दशः वर्णन, और व्याख्या का अर्थ है उस भाव पदार्थ जो है उसके समुचित कैरेक्टर्स का उसमें वर्णन होना चाहिए, तो ही उसको व्याख्या कहते हैं। तो दोषों के क्या क्या कैरेक्टर्स है तो हम एक एक करके बात देखेंगे। आप एक एक करके लिखिए, संदर्भ लिखिए कि कैरेक्टर का उसका नाम और संदर्भ। अगर आपको आगे इसके ऊपर लेक्चर देना है आपके जगह पर तो संदर्भ आपके सामने होने चाहिए, आपको मदद होगी इसकी, क्योंकि आपको आगे बढ़ाना है काम सबको। आपके अपनी जगह के जाके बताना है कि दोष क्या है, बैठो बुला बुला के बैठो, बैठो दोष सुनो, मैं सुन क्या हो बताओ, पढ़ो ये दोष है सुनो, ये हमें पढ़ा दी थी, कहा गई मेघना जी, ये 2 साल सीनियर है मेरी, कॉलेज में सीनियर थी, मैं सेकंड ईयर में था, वो थर्ड ईयर के लास्ट इसमें थी। हमें 9 बजे कॉलेज होता था तो 8:30 बजे हमें बुलाती थी, और कॉलेज का जो लाइब्रेरी का भाग होता है वहां पे बैठ के हमें चरक पढ़ा दी। अब उस समय में उनका जितना अध्ययन था हमारा जितना अध्ययन था तो वो हम पढ़ते थे, पर पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर देखेंगे। अब निकालिए चरक संहिता, सूत्र स्थान, अध्याय 20। उससे पहले निकाल शारीर, शारीर 6 निकाली, चरक शारीर 6। शारीर स्थान, अध्याय 6, सॉरी 7वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 17, पेज नंबर 339। शरीर अवयवाः तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्येया भवन्ति। मिल गया श्लोक सभी को? रुकता हूं रुकता हूं रुकता हूं, निकालिए श्लोक, जिनको नहीं मिला है रुकता हूं। पेज नंबर है 339, सटीक होगा तो। मिल गया मैडम आपके पीछे, मिल गया। शारीर स्थान 6, अध्याय 6, सूत्र क्रमांक 17, 7वां अध्याय, 17 नंबर का श्लोक। शरीर अवयवाः तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्येया भवन्ति। पहला कैरेक्टर है, उसका लक्षण है कि दोष ये परमाणु स्वरूप होते हैं। तीनों दोषों की शरीर जो उपस्थिति है वो परमाणु स्वरूप में होती है। शरीर अवयवाः, अवयव शब्द का अर्थ यहां पे ऑर्गन नहीं है। गंगाधर जी की टीका है इस सूत्र के ऊपर, अवयवाः इति भाव पदार्थः, ऐसा टीका है। शरीर के जितने सारे भाव पदार्थ है, दोष है, धातु है, मल है, उपधातु है, विटामिन से, मिनरल से, कुछ जो भी उक्त अनुक्त है, ये सभी शरीर में परमाणु स्वरूप में रहते हैं। इनके हर एक के अपने अपने परमाणु हैं और वो अपरिसंख्य है। दोष परमाणु स्वरूप में है शरीर में, धातु परमाणु स्वरूप में, उनकी स्थूलत्व होता है अलग से, और उनका जो उपस्थिति है वो परमाणु स्वरूप में होती है। तो पहला कैरेक्टर है ये परमाणु स्वरूप में, क्योंकि शरीर भाव है, अपने अपने परमाणु, पंचभौतिक परमाणु, वायु पंचभौतिक है, श्लेष्मा पंचभौतिक है, पित्त पंचभौतिक। देखिए पित्त है, द्रव गुण है पित्त में, कहां से आए? श्लेष्मा में द्रव गुण नहीं है, प्राकृत श्लेष्मा में। जब श्लेष्मा में द्रवत्व आता है तो उसको प्रमेय कहते हैं, बहुद्रव श्लेष्मा। द्रव ये गुण पित्त में प्राकृत अवस्था, श्लेष्मा स्थिर है। तो पित्त में द्रव गुण आने के लिए वो पंचभौतिक जल महाभूत होना चाहिए उसमें, सारे पंचभौतिक, ठीक है। तो ये पहले है परमाणु स्वरूप में है, पंचभौतिक परमाणु तीनों के हैं। अब दूसरा लक्षण, सूत्रस्थान अध्याय 20, महारोगाध्याय,
ये पूरा अध्याय रिकॉर्डेड यूट्यूब पे है, आप बाद में सुन सकते हो पूरा महारोग अध्याय, अध्याय 20 सूत्र क्रमांक 9। सर्व शरीर चराहा वात पित्त श्लेष्मणहा सर्वस्मि शरीरे कुपिता कुपिता शुभा शुभा निकुर्वंती। मिल गया 113 पेज नंबर। अब क्या कह रहे देखो, वात पित्त श्लेष्मा, इसको एक उप विशेषण है वहां पे, सर्व शरीर चराहा, सर्व मतलब संपूर्ण शरीर देह, चराहा गति करने वाले, बहुवचन है, सर्व शरीर चराहा संपूर्ण शरीर में गति करने वाले वात पित्त श्लेष्मा, जो तीन घटक है ये सर्वस्मिन शरीरे, सप्तमी विभक्ति है, संपूर्ण शरीर में, सप्तमी का अर्थ सुबह सर ने क्या बताया, रामे मतलब राम में, वैसे शरीरे मतलब शरीर में क्या करते हैं, कुपिता कुपिता शुभा शुभा नहीं कुरुवंदी। अगर ये कुपित अवस्था में संचार करेंगे तो अशुभ कर्म करेंगे, प्राकृत अवस्था में संचार करेंगे तो शुभ कर्म करेंगे, ठीक है। अब यहां पे आपको प्रश्न आना चाहिए था, जो सूक्ष्मता से देखेंगे, संस्कृत बताना है इसलिए मैं बताता हूं, वरना ये ज्यादा बताते नहीं कहीं पे। यहां कुपित और कुपित ऐसा है और आगे शुभ अशुभ है, तो कुपित से पहले अशुभ लिखना चाहिए था ना, और आगे अकुपित है प्राकृत है तो फिर शुभ, मतलब कुपिता कुपिता अशुभ शुभा नहीं करो, ऐसा करना चाहिए था ना, पर शुभा शुभा नहीं और कुपिता कुपिता ने क्यों किया है, तो संस्कृत में एक नियम है कि जब हम संधि या समास करते हैं तो उसमें से जिसमें वर्ण ज्यादा होते हैं, वर्ण जिसमें ज्यादा, वर्ण मतलब राम, राम में ये राम ये पद है, एक पद ये वर्णों का समुदाय होता है, सुप्तिनंतम पदम ऐसे पद की व्याख्या है, बराबर है। अब अनेक वर्णों से, वर्ण मतलब स्वर या व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन के समुदाय से पद निर्माण होता है, और उसको जब विभक्ति प्रत्यय लगता है, तीन और तिनंतम मतलब क्रियापद मतलब प्रत्यय, और सुबंत मतलब विभक्ति, जब वर्ण इकट्ठा आने के बाद उसको एक तो विभक्ति लगेगी या प्रत्यय लगेगा तो ही उसको पद कहते हैं। अब संहिता में कोई भी पद निकालिए वो बिना विभक्ति बिना प्रत्यय एक भी वर्ण नहीं पूरे इसमें, बराबर है। तो राम में वर्ण क्या है, र आ म अ, दो स्वर दो व्यंजन, और फिर उसको विभक्ति लगी रामः रामौ रामः, तब उसको पद कहा गया, बराबर है। तो जिसमें ज्यादा वर्ण होते हैं वो उसके वो द्वितीय क्रमांक में रखते हैं, तो कुपित में और अकुपित में अ ज्यादा है इसलिए कुपिता अकुपिता की, और शुभ अशुभ में अ ज्यादा है इसलिए शुभा शुभानी की, ये क्रम से नहीं लिखा है, यह क्रम नहीं आएगा, ये संस्कृत का नियम है, संधि करते समय समास करते समय जिसका लक्ष्मणो रामो नहीं करेंगे, राम लक्ष्मणो करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा लक्ष्मणो रामो किया तो, नहीं राम लक्ष्मणो, ये पाणिनी का नियम है, जिसमें वर्ण ज्यादा है वो द्वितीय क्रमांक में रहेगा, इसलिए कुपित और कुपित का नियम बदलकर क्रम बदलकर शुभ अशुभ किया है, ठीक है। तो यहां हमारा अभी विवेचन का मुद्दा यह है कि सर्वस्मिन शरीरे सर्व शरीर चराहा दोषाहा, ये एक जगह पे रुकते नहीं है, ये हमेशा संचार्य अवस्था में रहते, प्राकृत हो या विकृत हो, ये हमेशा शरीर में गतिशील होते, चरण चरण मतलब गति करना, बराबर। इसका विस्तार करने वाले हम और एक संदर्भ देखेंगे, चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 5 स्रोतो विमान अध्याय, यहां पे पेज नंबर 250 श्लोक क्रमांक 5, 6, 7 इकट्ठे लिखे हैं नीचे, उसमें से पहले कॉलम में
एक दो तीन चार पांचवी लाइन में अंतिम पद से वात पित्त श्लेष्मणाम पुनः सर्व शरीर चराणाम सर्वाणी श्रोतांसी अयन भूतानी, मिल गए? फिर से वही बोल रहे हैं, वात पित्त श्लेष्म सर्व शरीर चराणाम गति कर, षष्ठी विभक्ति है, सर्व शरीर में संचार करते करते सर्वाणी श्रोताओं से सभी श्रोतों में मनोवह में भी दोष जाते हैं, सभी शरीर के श्रोतों में अयन भूतानी मार्ग करते हैं, फिर घूमते हैं, सभी श्रोतों में घूमते हैं। देखिए संदर्भ मिल गया, तीसरा संदर्भ देखते हैं, चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 28, वात व्याधि चिकित्सा 28, पेज नंबर 619। श्लोक क्रमांक 59, वात व्याधि चिकित्सा अध्याय, सूत्र क्रमांक 59। मिल गया, वात पित्त कफा देहे सर्व स्रोतो अनुसारेण दोष, सभी स्रोतों में अनुसरण करते हैं, मतलब गति करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आएगा मन में कि हमने तो ये पढ़ा है क्रिया के लेक्चर में कि पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्श इंद्रिय वायु रहता है, उर स्थान में श्लेष्म रहता है, नाभि आमाशय स्वेदोल अस्थिका रुधिरम रसा में पित्त रहता है, ये उसके स्थान है, जगह है उनके। अब यहां कह रहे ये तो सर्व शरीर संचर्य अवस्था में रहते हैं, ये तो गति करते रहते हैं, तो इसका क्या मतलब, इसका एक अर्थ क्या निकालना है? ये तो अभी तक देखा कि शरीर के हर एक श्रुतस में, हर एक घटक में तीनों दोष है, ठीक है। अब संचर्य अवस्था में है, ये हमारे लिए नया है। व्याधि की व्याख्या क्या है सुश्रुत की? यत्र संगः ख वैगुण्य तत्र व्याधि उपजाए, यत्र संगः, संग मतलब रुकना, ख वैगुण्य से जहां पे दोष रुकेंगे वहां व्याधि करेंगे। इसके ऊपर की पंक्ति पता है किसी को? हाँ बोलिए, कुपितानां दोषाणां शरीरे परिधावताम, कुपित दोष शरीर में, शरीर कुपितानां दोषाणां, षष्ठी विभक्ति, कुपितानां दोषाणां शरीरे, सप्तमी एक वचन है, शरीर में परिधावताम संचार करते, धाव दौड़ रहे हैं, परि मतलब सर्वत्र, परितः का अर्थ है सब जगह, परिक्षेप कहते ना, वो विक्षेप है, सब जगह पे संचार कर घूमते हुए कुपित दोष घूम रहे हैं, जहां पे ख वैगुण्य मिलेगा वहां पे वो रुकेंगे तो क्या करेंगे? व्याधि करेंगे। अगर नहीं रुकेंगे तो व्याधि नहीं करेंगे, विपर्य तंत्र। कुपित दोष है, शरीर में संचार कर रहे हैं लेकिन शरीर में ख वैगुण्य नहीं है, वो रुकने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगी, वो घूमते रहेंगे, स्वभाव परम्परा से धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे अगर हेतु नहीं मिलेंगे तो, पर ख वैगुण्य से रुक जाएंगे तो संप्राप्ति शुरू कर देंगे। रुकना ये विकृति है। अब देखिए ऋतुकालीन चयन प्रकोप प्रश्न होता है, सभी को व्याधि होती है? नहीं होती। ऐसा होता है वर्षा में सभी लोग पैरलाइज हो गए, वात प्रकोप हो गया, किसी को गुरुद्रसी, किसी को खल्ली, किसी को उरुस्तंभ, किसी को क्या, किसी को नहीं होता। शरद में सबको पित्त प्रकोप होता है, मतलब पित्त के व्याधि होते हैं, पित्त प्रकोप होगा, व्याधि नहीं होगा, जिसमें खग वैगुण्य है वहां पे पित्त रुकेगा और व्याधि करेगा। वसंत में सभी को श्लेष्मा प्रकोप, श्लेष्मा के सभी को व्याधि हो गए, ग्रीष्म में सब ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता। दीर्घकालीन भी चय प्रकोप प्रश्न है, तो वहां पे वो संचारी अवस्था में है, रुकते नहीं है इसलिए व्याधि नहीं करते। मुद्दा समझ में आया? आगे जाऊं मैं जानबूझ के स्लो जा रहा हूं, आगे जाऊं या यहां का कुछ प्रश्न होंगे कभी भी बीच में पूछ सकते हो, नहीं तो फिर लेक्चर के बाद पूछिए।
ठीक है। तो इसका अर्थ क्या, देखो एक संदर्भ सूत्र स्थान का है, दूसरा संदर्भ विमान स्थान का है, तीसरा संदर्भ चिकित्सा स्थान का है, बात एक ही बता रहे कि दोष सर्व शरीर में संचारी अवस्था में रहते हैं। पहला लक्षण देखा हमने कि वो परमाणु स्वरूप है, दूसरा लक्षण है सर्व शरीर में नित्य कुपित हो या अकुपित हो संचारी अवस्था में रहते हैं। एक जगह मुझे बताइए श्लेष्माकाशय का काल क्या है, ऋतु कौन सा है, शिशिर हेमंत, दो ऋतु देखेंगे, एक ऋतु दो मास का होता है, चार महीने श्लेष्मा उरस्था में पड़ा रहेगा, नहीं प्रकोप में बाहर जाऊंगा मैं तब तक यहां पड़ा रहूंगा, गले में पड़ा रहेगा, कंठ में पड़ा रहेगा श्लेष्मा चार महीने, क्या हो जाएगा, वायु, वायु का क्षय का काल ग्रीष्म है, दो महीने वायु पड़ा रहेगा पक्वाशय में, नहीं नहीं प्रकोप में मैं जाऊंगा आमाशय में, तब तक नहीं, तब तक यही पे कितने भी हेतु सेवन करो आप मैं नहीं लूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये फिर से बताओ, दोष ऋतु कौन सा हो, दिन का अवस्था कौन सी हो, तो कुपित हो अकुपित हो, खवय गुण्य अगर नहीं है तो नित्य संचार अवस्था में रहते हैं, उनका परिणाम भी संचार अवस्था में होता है, उनकी क्षय वृद्धि भी संचार अवस्था में होती है, उनका कार्य भी संचार अवस्था में होता है, घूमते रहते हैं नित्य। उसके लिए मैं एक उदाहरण बताता हूं व्यवहार का, इनका एक बैंक में अकाउंट है, हमेशा बताता हूं जिन्होंने सुना है वो उनको रिपीट लगेगा लेकिन वो समझने के लिए आसान है। इनका एक बैंक में अकाउंट है, ये गए 2,00,000 रुपए सबमिट किए। अब ऐसा है कि बैंक में अकाउंट मतलब एक बड़ा सा लॉकर है, अब ये जो पैसे देंगे वो लॉकर में रख देंगे। दो दिन के बाद ये चले गए फिर से बैंक में और बताया कि देखो ये नोट मैंने सबमिट किए थे 500 के, यही मुझे वापस चाहिए, जो मैंने सबमिट किए नोट वही नोट्स मुझे चाहिए वापस, मैंने सबमिट किए, तो वो निकल देंगे उनको, चलो चले जाओ, ऐसा नहीं होता। इन्होंने अगर 2,00,000 रुपए सबमिट किए उनके खाते में और कुछ दिन कुछ आधे घंटे का मैं गया, मेरा भी अकाउंट उसी बैंक में है और मैंने मेरे अकाउंट से 1,00,000 रुपए निकाले, तो शायद इन्होंने जो कैश भरी है उसमें से 1,00,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे। मनी इज ऑलवेज रोटेटिंग इन मार्केट, पैसा घूमता रहता है, ऐसा नहीं कि अगर मेरे अकाउंट में समझो अंबानी के अकाउंट में 5,000 करोड़ है तो 5,000 रुपए के नोट ऐसे बड़े है, ऐसा नहीं है, वो मार्केट में है संचार अवस्था में है। जब वो रुक के खोए गुण से कहीं पे पड़े रहते हैं उसको ब्लैक मनी कहते हैं, उसका कभी कभी सद्योवमन करना पड़ता है, जैसे 2018 में किया गया, बलात्कार निकालना पड़ता है, नहीं तो पड़े रहते, लीन दोष कहते हैं उसको, ब्लैक मनी। यही घटना शरीर में, पड़े नहीं है दोष, घूम रहे, जो पड़े हैं उनको लीन दोष कहते हैं। इसमें और सूक्ष्म अर्थ है, उसमें बात भी जाएंगे धीरे धीरे, आगे चले, यहां तक ठीक है, आगे चले। तीसरा लक्षण हमने देखा पहले कि देह संभव उत्पत्ति, देह की उत्पत्ति के हेतु है, तीसरा लक्षण है उनका देह उत्पत्ति हेतु। चौथा लक्षण है कि ये तीनों दोष परस्पर विपरीत गुण के होते हुए भी परस्पर को उप घात उनका न करते हुए अपना अपना कार्य करते हैं। परस्पर उप मारते नहीं है वो, एक शीत है एक उष्ण है, एक रुक्ष है एक स्निग्ध है, तो परस्पर को उपघात नहीं करेंगे, बैलेंस करेंगे, पर वो अपना अपना कार्य एक साथ रह के करते हैं सर्व शरीर में, उनका चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण है कि दोष जब भी कोई निज आगंतु हेतु शरीर में प्रवेश होता है तो ये पहले विकृत होते हैं, प्रथमतः विकृति दोषों की होती है फिर दुष्यों की होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हेतु उत्पन्न हुआ अस्थि विकृति हो गई उससे वात विकृत हुआ, नहीं, हेतु हुआ रक्त दुष्ट हो गई उससे पित्त दुष्ट हो गया, नहीं,
हर जगह 100% हर एक संप्राप्ति में पहले दोषों की ही विकृति होती है, अगर उसको व्याधि कहना है। निकालिए सूत्र स्थान अध्याय 20 जो अभी निकाला था, बीस नंबर का अध्याय, श्लोक नंबर है 4। मिल गया उसकी अंतिम पंक्ति, निजस्य तु मुखम, मुख का अर्थ है कारण। निज व्याधि के कारण क्या है? दोषों के वैषम्य, वैषम्य मतलब विकृति, दोष विकृति, यही निज व्याधि का हेतु है। आहार विहार किसकी हेतु है? दोष वैषम्य के हेतु है। हमने दधि सेवन किया, उससे प्रतिशा नहीं होगा, उससे पहले श्लेष्मा प्रकोप होगा, और श्लेष्मा प्रकोप से प्रतिशय होगा। अगर प्राणवाह में भी ख वैगुण्य है तो जिसके मूत्रवाह में ख वैगुण्य है उसको प्रमेह होगा, जिसके स्वेदवाह में रसवाह विकृत है तो उसको ज्वर होगा, श्लेष्मा प्रकोप से, श्लेष्मा ज्वर है ना, जिसके रसवाह में विकृत होगा उसको श्लेष्मज कुष्ठ रोग होगा, रक्तवाह में होगा तो श्लेष्मा का अब कौन सा है प्रकार, अनुबंध श्लेष्मा का होने वाला रक्त पित्त का प्रकार कौन सा है? ऊर्ध्व यादव जो है वो होगा ऊर्ध्व, मतलब वही विकृत श्लेष्मा। अलग अलग समझो, हम 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, हमने इतना कटोरा दधि सब सबने खाया, किसी को कुछ होगा नहीं, किसी को सिरदर्द होगा, किसी को उल्टी आएगी, किसी को जी मचलने लगेगा, किसी शरीर गौरव हो जाएगा, जिसमें रसवाह की वे गुण है उसको शरीर गौरव होगा, जिसमें प्राणवाह में है उसको कास छर्दी प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगा, कास प्रतिष्ठा होगा, अन्नमह में खे गुण है उसको छर्दी हो जाएगी। इस प्रकार से एक ही दधि अलग अलग शरीर में ख वैगुण्य अलग अलग सोर्स में होगा तो अलग अलग प्रकार के व्याधि निर्माण करेगा। पर कारण क्या है उसके लिए? दोष वैषम्य होना आवश्यक निज व्याधि के लिए। अब आगंतुक के लिए क्या है? देखो आगंतुक के हेतु दिए उन्होंने, नख दशन पतन अभिचार आदि आदि, ये हेतु है, कारण है। पर आगंतुक जिसको व्याधि स्वरूप संप्राप्ति शुरू हो जाएगी उसके लिए क्या आवश्यक है देखिए सूत्र 7। आगंतु ही व्यथा पूर्वम समुत्पन्नो जगन्यम वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्यम आपादयति, आपादयति है वर्तमान कालवाचक तृतीय पुरुष, क्या है? एक वचन बहुवचन, एक वचन आपादयन ती होगा तो बहुवचन होगा ती तहा अंति। तो आगंतु में क्या होता है? पहले व्यथा होती है, वेदना होती है, किसी प्राणी ने दंश किया, छुरी से काट गया, काटा चुभ गया, तलवार से मार वार कर दिया गया, तो पहले वेदना होगी, रक्तस्राव होगा, लक्षण दिखेंगे, व्यथा होगी, कुछ काल के बाद उसमें दोषों की विकृति होगी, फिर दाह राग पाक कंडू शुरू हो जाए तो दवत वेदना शुरू हो जाए, ये दोषों के लक्षण है। ज्वर आएगा, पाक होगा, कोत होगा, आरक्त वर्ण होगा, आगे कृमि हो जाएंगे अगर ट्रीटमेंट ठीक से, तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा तीव्रता, बाद में दोषों का वैषम्य होता है तो उसको आगंतु व्याधि कही। ये फर्क लक्षण और व्याधि में है, ठीक है? तो मतलब लक्षण क्या है, मतलब अगले दोषों का, कि कभी भी हेतु उत्पन्न होते हैं तो पहले विकृति किसकी होती है? दोषों की होती है, फिर उससे दुष्य विकृत होते हैं, ठीक है? तो ये दोषों के कैरेक्टर संक्षिप्त में देखे हमने, और भी है पर थोड़े से और आगे के हैं वो अगले टॉपिक में हम लेंगे, इतना अभी तक काफी है। अब धातु क्या है? धातु हमें फर्स्ट ईयर में ठीक है, रस रक्त मांस अस्थि में एकदम शुक्र, फर्स्ट ईयर के लिए ठीक है, आगे जाएंगे जब अध्ययन आगे बढ़ेगा तो धातु की हमारी कल्पना स्वच्छ होनी चाहिए। धातु की निरुक्ति क्या है? जो धारण करता है उसको धातु कहते हैं, ठीक है? मतलब जो घटक शरीर में प्राकृत अवस्था में है
और शरीर धारण का कार्य करता है उस समय उसको धातु कहा जाता है। ये क्या चल रहा है? तुला। उसको धातु कहा जाता है जो प्राकृत है और शरीर धारण का कार्य करते हैं। अब निकालिए अध्याय नौवा अध्याय सूत्रस्थान अध्याय नौ खुड्डा चतुष्पाद सूत्र क्रमांक चार। सूत्र सभी को पता है विकारो धातु वैषम्यम। अब देखिए चरक ने कहा है विकारो धातु वैषम्यम, वाग्भट क्या कहते हैं रोगस्तु। अब एक सेमिनार में गया था, विद्यार्थी अवस्था में था तो एक सेमिनार में गया था सुनने के लिए। दो लोग बैठे थे, चर्चा चल रही थी, बड़े नाम के वैद्य थे वहां पे, नामचीन वैद्य बैठे थे। और ये विषय किसने प्रश्न पूछा कि वाग्भट ये कहता है रोगस्तु दोष वैषम्य और चरक कहते हैं विकारो धातु वैषम्य, तो इसका अर्थ क्या लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाग्भट दोषानुबंधी चिकित्सा का विचार करते हैं और चरक धातु के विचारों से चिकित्सा करते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा, वाह वाह क्या नहीं, टीका पड़ी चक्रपाणी की टीका पड़ी। धातु की टीका क्या है? धातवो वातादयो रसादयः रज प्रवृतादयः। धातु शब्द से कौन कौन लेना है? वातादि तीन दोष, रसादि धातु और रज आदि मतलब उपधातु। रज आर्तव स्तन्य, यहां मानसिक रज का अर्थ नहीं है, रज आर्तव जो आदि धातुओं के उपधातु है वो सब लेने हैं। सारे धातु उपधातु मल भी दोष भी जब प्राकृत अवस्था में है और शरीर धारण का कार्य करते हैं तब इनको क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। दोष भी जब प्राकृत अवस्था में है, अपना प्राकृत वायु उत्साह श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन प्राकृत रीत्या कर रहा है, पित्त पक्ति उष्मी तेजा जो दर्शनम वगैरह वगैरह श्लोक है वो सब प्राकृत कार्य कर रहे हैं तो उनको दोष नहीं कहते, धातु कहते। दोष कब कहेंगे? दूषयंती इति दोष, जब हेतु से पहले दुष्ट हो जाएंगे तो उनको दोष कहते हैं। दूसरों को दुष्ट करते हैं तो उनको दोष कहते हैं, पर जब वो खुद प्राकृत अवस्था में शरीर में स्वास्थ्य है प्राग धारण का कार्य कर रहे तो वो उनको क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। अब आप कहोगे कि आप थोड़ा खींचतान करके कर रहे हो, ये अर्थ निकाल रहे हो, ठीक है? यहां कहां लिखा है प्राकृत शब्द कहां है? निकालिए चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 सूत्र नंबर 81। सूत्र लिख संदर्भ सभी लिख के रखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कहां कहां घूमते घूमते जा रहे हैं, नहीं तो बाद में वोलेटाइल हो जाएगा, सब उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हाउस अकेला। निकाला 81 देह धातु प्रत्यनीक भूतानी, मिल गया सूत्र, देह धातु प्रत्यनीक भूतानी द्रव्याणी देह धातु भी विरोधम आपद्यन्ते। अब यहां धातु शब्द की टीका है नीचे पड़ी, देह धातु प्रत्यनीक भूतानी इति देह धातूनां रसादीनां वातादीनां च प्रकृति प्रकृतिस्थानां प्रत्यनीक स्वरूपाणि। रसादीनाम वातादीनाम कैसे है ये? प्रकृतिस्थ, प्राकृत है तो उनको धातु कहेंगे, ठीक है? धातु शब्द सा अर्थ क्या है? रस शुक्र तो है ही, रसद शुक्र, पर जो शारीर घटक जो प्राकृत अवस्था में है और प्राकृत कार्य कर रहा है, धारण कर रहा है, शरीर टिकाने का कार्य कर रहा है, तब उस समय उसको धातु कहा जाता है। अब इसके बाद में शरीर में जहां जहां धातु शब्द आएगा वहां वहां इन सब का अर्थ लेना है। धातु परिणमन में भी केवल रसते शुक्र का परिणमन अपेक्षित नहीं, वो तो है ही, दोषों का भी परिणमन होता है अवस्था पाकों में, मलों का भी परिणमन होता है, अगर वो प्राकृत पद्धति से हो रहा है तो वो भी धातु परिणमन में आएंगे।
ठीक है, ये विस्तार है, इसको लेशोक्त में विस्तार में ये जाएगा। प्रारंभ में रसद शुक्र का प्रणमन समझने में फर्स्ट ईयर में ठीक है, शरीर क्रिया में पढ़ते हम केदार कुल्यान ऐसे क्या होता है, क्षीर हृदय से क्या होता है वगैरह वगैरह ठीक। पर आगे के स्तर में जाएंगे तो धातु का अर्थ क्या है, प्राकृत घटक। तो जो जो प्राकृत घटक है उनका परिणमन कैसे होता है समझने के लिए सबका परिणमन विचार करना पड़ेगा, ठीक है। संक्षेप में हो रहा है, अगर और प्रश्न है आप पूछ सकते हो, ठीक है, बाद में भी अनुचर चर्चा में जब भी होगी तब भी आप पूछ सकते हो। अब तीसरा, क्योंकि समय कम है विषय ज्यादा है, बराबर, हमारे मराठी में कहते हैं रात तो थोड़ी सोंगे भर, ऐसा एक कहावत है कि समय कम है चीजें बहुत ज्यादा है। तो अगला जो है वो मल है, तीसरा घटक। अब मल का अर्थ जब हमारे सामने आता है तो क्या आता है सामने, मल पुरुष मूत्र स्वेद। अब निकल अष्टांग हृदय आपके पास निकल, अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय पहली संप्राप्ति उसकी, ज्वर निदान में सर्व ज्वर में द्वितीय अध्याय, मलहा स्वयं स्वयं हृदय मलहा स्वयं स्वयं दूषण ही दुष्ट अष्टांग हृदय निदान स्थान सबको मिल गया अध्याय दोन पेज नंबर 448 निकाले रुकते हैं पेज नंबर 448 अष्टांग हृदय उसमें से सूत्र क्रमांक 3 पहला ही सूत्र है निदान स्थान अध्याय 2। देखिए निदान वाग्भट का वैशिष्ट्य है कि उन्होंने पहला अध्याय का नाम लिखा है सर्व ज्वर निदान, वहां ज्वर का अर्थ है व्याधि, सभी व्याधियों का सामान्य निदान, और दूसरा अध्याय ज्वर निदान है, यह ज्वर संप्राप्ति का अध्याय। अब सूत्र पढ़िए, मलाह स्वयं स्वयं ही मलाह तत्र स्वयं स्वयं दुष्टाः प्रदूषणे। अब देखिए अगर मल की कल्पना हमारी स्वच्छ नहीं होगी तो जो भी वैद्य विद्यार्थी है, मैं हमेशा वाहवा में चरक संहिता की जो वाहवा पूर्ववर्त अभी लिए मैंने तो ये प्रश्न सामने रखता हूं, मैं वाहवा ऐसे लेता हूं, मेरी पद्धति है, ये श्लोक का अर्थ लगा के बताइए, ये मैं बताइए दोष कितने हैं, वाद मार्ग कितने हैं, वो तो सबको पता है, चरक पूर्वार्ध की वाहवा ऐसे होते, वाद मार्ग कितने हैं, स्रोत कितने हैं चरक के, ठीक, मेरी पद्धति है, ये श्लोक है अर्थ लगा के बताइए, उसमें ये श्लोक रहता है। तो जिसको मल की पद्धत अर्थ ही पता नहीं, मतलब पूरा नहीं है, वो क्या कहेगा, ज्वर उत्पन्न करने के लिए मलाहा स्वयं ही दूषण ही दुष्टा, मतलब पुत्री पुरुष मूत्र स्वेद अपने अपने हेतु से दुष्ट होते हैं, आमाशय में जाते हैं, ज्वर करते हैं, ये सही है अर्थ नहीं है ना, ऐसा नहीं होता, पुरुष विकृति से ज्वर आता है, आ सकता है प्राकृत जो आता है वो सामान्य संप्राप्ति बता रहे हैं, यहां मल का अर्थ कुछ और होगा, वो क्या है बाद में देखते हैं, यहां सूत्र का। अब पहले देखेंगे मल की संहिताकारों की कल्पना क्या है, हमारी कल्पना एक ही है पुरुष मूत्र स्वेद और एक ख मल वगैरह आदि धातु के मल, जो त्याज्य भाव है वो मल है, ठीक है, मलिनीकरणात मलहा, जो मलिन करते हैं शरीर को उसको मल कहते हैं, निरुक्ति उसकी। लेकिन कल्पना क्या है, ग्रंथकारों को क्या अपेक्षित है वो निकालिए, चरक संहिता शारीर स्थान अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 15 शारीर 6 पेज नंबर 333 श्लोक 17 शरीर गुणाः पुनर्द्विविधाः पेज नंबर 333 चरक संहिता शारीर स्थान अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 17 शरीर गुणाः पुनर्द्विविधाः। यहां गुण शब्द ये क्वालिटी के लिए नहीं है, गुण का अर्थ शरीर के भाव पदार्थ, वहां नीचे पाठभेद है शरीर धातवः या धातवः शब्द का अर्थ भी शरीर का भाव पदार्थ प्राकृत भाव पदार्थ, ये दो प्रकार के होते द्विविधाः, विध मतलब प्रकार, विध शब्द का अर्थ है प्रकार, द्वि मतलब दो, दो प्रकार के होते हैं, कौन, मलभूतः
प्रसाद भूतः, एक मलभूत और प्रसाद भूत। अब मल क्या है पढ़िए, तत्र मलभूतः, तत्र मलभूतास्ते ये शरीरस्य अबाधकरः, अबाधकरस्य अबाध, अबाध का अर्थ क्या है, संकट, व्याधि, विकृति, बराबर। तो मलभूत जिसको कहेंगे, तत्र मतलब उसमें मलभूत किसको कहेंगे, ते ये किसको कहेंगे, जो ये मतलब जो शरीरस्य आबाधकरस्यु, शरीर में संकट निर्माण करते हैं, शरीर में विकृति निर्माण करते हैं, शरीर में व्याधि निर्माण करते हैं, ऐसे जो शारीरिक घटक है उनको उस समय मल कहते हैं। फिर से बताता हूं, जो शरीर घटक शरीर में है और उसकी शरीर की उपस्थिति के कारण शरीर में व्याधि निर्माण हो रही है, कोई संकट है, कोई वेदना है, कुछ भी विकृति आ रही है, तो उस समय उसको मल कहेंगे। मलिन कर रहा है शरीर को, दुष्ट कर रहा है। अब उसमें कुछ घटकों का उन्होंने वर्णन किया है, पढ़िए। तद यथा शरीर छिद्रेषु उपदेह पृथक जन्मानो बहिर्मुखः, बहिर्मुखः। एक पहला, शरीर छिद्रेषु, अब छिद्र ये शब्द यहां होल इस अर्थ से नहीं है, छिद्र ये स्रोतस का पर्याय है। चरक में विमान स्थान में स्रोतो विमान अध्याय में 9वें नंबर के श्लोक में छिद्र शब्द स्रोतस के लिए आया है। इसको कहते हैं स्व संज्ञा तंत्र युक्ति। हर शास्त्र की अपनी अपनी परिभाषा होती है, बराबर है। अगर मैं अगर भाषांतर करूंगा कि देर आर थ्री फॉल्ट इन आयुर्वेदा, चलेगा क्या? दोष का अर्थ में फॉल्ट करूंगा तो आयुर्वेद तीन फॉल्ट है ऐसा बताऊंगा तो भाषांतर सही होगा? नहीं होगा। पाक शब्द का अर्थ है पाक, उर्दू में पाक का अर्थ पवित्र करण, पाकिस्तान का अर्थ क्या है, पवित्र जगह, और आयुर्वेद में पाक का अर्थ क्या है, पचन करना। अगर पाकिस्तान का अर्थ मैंने पचन करने का स्थान ऐसा किया तो चलेगा? और धातु पाक का अर्थ धातु पवित्र करना ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। दो शास्त्र अलग है, भाषा अलग है, परिभाषा अलग है, ऐसे कई शब्दों का हम ये कर सकते कि व्यवहार में उसका अर्थ अलग होता है और शास्त्र में उसका अर्थ अलग होता है। आप भी बता सकते हो ऐसे शब्द। तो धातु व्यवहार में मेटल कहते हैं, हमारे यहाँ धातु शब्द कई प्रकार से उपयोग किया है, रस शब्द के कई अर्थ ग्रंथ में है, ऐसे अनेक शब्द, प्रकृति के कई अर्थ है। तो शास्त्र की परिभाषा होती है अपनी अपनी, हर एक शास्त्र की, बराबर है। रसायन शास्त्र में रसायन का अर्थ केमिकल है, और हमारे रसायन का अर्थ, रस मतलब आत्मा और उसका अयन मतलब मार्ग, जो रस मतलब आत्मा जीवात्मा जो है उसका जो माध्यम है वो दीर्घ काल तक मेंटेन करना है, उसको रसायन कहते हैं। मैं सुना ना आपने रस मतलब आत्मा, रस शब्द का अर्थ है या आहार रस नहीं, वो तो हो है ही, वो तो धातु मेंटेन करना वो तो है ही, पर रस मतलब रसो वे रसा उपनिषद का अर्थ है आत्मा, उसका जो माध्यम है शरीर उसको दीर्घ काल तक जीवित रखना, इसकी चिकित्सा जो उसको रसायन कहते हैं। वहां रसायन शास्त्र में रसायन का अर्थ अलग है, यहां रसायन का अर्थ अलग। उसी प्रकार से छिद्र शब्द का अर्थ व्यवहार में अलग है, हमारे संहिता में छिद्र का अर्थ स्रोतस। तो शरीर छिद्रेषु, शरीर के स्रोतसों में सप्तमी है, शरीर के स्रोतसों में कौन से, बहिर्मुखा, स्रोतस कौन से, बहिर्मुखी, नासा का ये जो छिद्र है ना, ये स्रोतस है, मार्ग है ये, वहां पे पृथक जन्माना, अलग अलग जन्मने वाले, नासामल, नेत्रमल, गुदमल, मूत्रमल, कर्णमल, स्वेद, मूत्र, पुरुष, सभी आए, सभी इसमें, मूत्र, पुरुष, स्वेद, खमल और नासा आदि के जो मल है सभी सभी इसमें आ गए। ये उपदेहा, शरीर से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, चिकट लिप्त होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। आगे ये जो सॉरी एक रह गया, परिपक्वाश धातवाह। अब यहां पे पाठभेद है, अपरिपक्वा धातवाह,
जो धातु है प्राकृत घटक जो है वो अगर अपरिपक्व रहे, उनका परिणमन ठीक से नहीं हुआ, आम अवस्था में शरीर में पड़े रहे, तो व्याधि निर्माण करेंगे। आम प्रदूषण व्याधि होते हैं, संकट निर्माण होता है, अत्यधिक आवास निर्माण हो सकती है, वो उस समय मल है। साम धातु, साम दोष, साम मल, इनको मल संज्ञा दी है। अपरिपक्व परमाणु कोई भी किसी भी शरीर घटक का अपरिणत परमाणु है उसको मल कहते हैं। ये पाठभेद है। और यहां पे जो पाठभेद मूल पाठ है वो है परिपक्वा धातवा, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अगला है प्रकुपिताश्च वात पित्त श्लेष्मणः। अब फिर से दोष आ गए। जब प्रकुपित होते हैं दोष तो उनको मल कहते हैं। प्रकोप की टीका नीचे है, प्रकोप आगे इसी व्याख्यान का अगला भाग है, इसलिए वहां इसका विस्तार अभी नहीं करता हूं, हम समझने वाले क्या है। प्रकोप की टीका है नीचे कि जो वृद्ध है क्षीण है, जो दुष्ट हुए हैं और दूसरों को दुष्ट करना शुरू कर दिया है, विकृति मात्र नहीं माता देना प्रजो, विकृत हो चुके खुद और दुष्टों को दुष्ट करना शुरू कर दिया है, उस समय दोषों को मल कहा जाता है। अब आप कहोगे जब ये प्राकृत है तो धातु कहते हैं, जब हेतु से दुष्ट होते हैं दोष कहते हैं, और जब व्याधि निर्माण करना शुरू कर देते हैं, विकृति निर्माण करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें उसको मल कहा जाता है। अब जो ज्वर का सूत्र देखा था वाग्भट का, मलाह स्वयं उसकी टीका देखी, मलाह वातादया, मलाह इति वातादया, अरुणत्त की टीका है। वहां मल मतलब क्या? दोष। कौन से दोष? प्रकुपित दोष, प्राकृत दोष नहीं, प्रकुपित दोष। जब मलाह स्वय स्वय दूषणी दुष्टा, दोष अपने अपने हेतु से दुष्ट होकर आमाशय में जाकर स्थान संश्रय करेंगे, अग्नि को विकृत करेंगे, आवृत करेंगे, रसस्वेदा स्रोतस को अवरुद्ध कर देंगे, ज्वर उत्पन्न होता है। यह सामान्य संप्रति है, बराबर। अब इसका माधव चंद्र ने श्लोक किया, मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा आमाश्रय दोष। यहां वाग्भट कहते मलाह, मला मतलब एकाकार का काम है लिखना दोष। अब निकाले ज्वर, ज्वर चिकित्सा, चरक का, चरक ज्वर चिकित्सा अध्याय तीसरा अध्याय, उसमें 114 नंबर का श्लोक। दो तीन उदाहरण बता दो, बाकी आप जहां जहां पे मल शब्द आएगा वहां रुकना अर्थ लगाते समय, कि क्या यहां पे मल मतलब पुरुष मूत्र स्वे लेना है या प्रकुपित दोष लेने है। 114 काम शोक भयात वायु, पेज नंबर 407 काम शोक भय क्रोधेर अभिशक्तस्य योज्वरा। ये अभिशंग ज्वर का वर्णन, आगंतुक ज्वर का वर्णन है। काम शोक भय आदि भावों से अभिशंग ज्वर उत्पन्न होता है। आगे तो अभिशंगा ज्वरो नेयो यश्च भूताभिशंग। दूसरा भूताभिशंग का प्रकार है कि अभिशंग ज्वर का प्रकार है भूताभिशंग। यहां भूत शब्द का अर्थ उल्टे पैर वाला, सफेद कपड़े पहनने वाला, डराने वाला, आंखें बाहर आई है, पेड़ पे लटक रहा है, उल्टा लटक रहा है, कभी कभी टीवी सीरियल में भी दिखाता है, डराता है, गर्दन पे आके बैठता है, वो भूत नहीं है, भूत पिशाच वाला भूत नहीं। यह भूत का अर्थ है सूक्ष्म जंतु जिसका अस्तित्व है उसको भूत कहा जाता है, प्राणी मात्र। काम शोक तो सूक्ष्म जंतु शरीर में प्रवेश करने से जो ज्वर आता है उसको अभिशंकज ज्वर कहते हैं, सारी इन्फेक्शियस डिजीज, वायरल डिजीज। तीसरा काम शोक भयात वायु क्रोधात पित्तम त्रयो मलाह। तीसरा अभिशंकज ज्वर एक है, आगे दिया है विष अभिशंकज, विषारी वनस्पतियां, विषयुक्त प्राणी, इनके दंश से, संपर्क से शरीर में जो ज्वर आता है उसको भी अभिशंग ज्वर कहते हैं। अब इतना बताया, ये व्याख्या दी, अब आगे क्या कहते हैं। अब काम शोक भयात भयात वायु, देखो काम शोक भयात वायु, काम शोक भय से वायु क्या, पर आगे क्या क्रियापद नीचे है प्रकुप्यंती,
है ना, उप्यंती नीचे है। काम शोक भय से वायु क्या होता है, प्रकोपित होता है, विकृत होता है। प्रकोप का अर्थ क्या है, विकृत होना। आगे भूताभिषंगा उप्यंती भूत सामान्य लक्षण, नहीं नहीं त्रयोमलाह क्रोधात पित्तम त्रयोमलाह, क्रोध से पित्त प्रकोप होता है और भूताभिषंग से त्रयोमला होता है। क्या है त्रयोमलाह भूताभिषंग, नीचे है अन्वय लगाते समय कभी कभी अगले सूत्र में अगले वाक्य में उसके पद होते हैं वो ठीक से लगाना पड़ता है। जैसे मैं बाद में बताता हूं उदाहरण उसका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि मराठी का है, हिंदी का याद करके बताता हूं। भूताभिषंगा त्रयोमला, भूताभिषंगा त्रयोमला, अभिषंगा पंचमी है, भूताभिषंग जब इन्फेक्शन होता है तो उसे तीनों मलों का प्रकोप होता है। अब तीनों मल, मतलब अर्थ ये लगाना है कि भूताभिषंग से पुत्र मूत्र पुरुष श्वेत प्रकोपित होते हैं, शब्दशः अर्थ ही होगा। नहीं, अब टीका पढ़िए, चारक की टीका पढ़िए। पेज नंबर क्या है, 4.08 ला खाली सुरू होते थे, नहीं पिछले पेर पर पन्ने पर। तम तत् किम इह भूताभिषंगस्य त्रिदोषानुबंधः, या तीनों त्रय मल का अर्थ है भूताभिषंग से तीन मल, मतलब तीन दोषों का प्रकोप होता है। या मल शब्द ये दोषवाचक है, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो जहां जहां अब धातु और मल शब्द आएंगे तो 2 सेकंड रुकना, टीका देखना नीचे कि क्या कहना चाहते हैं, खुद पढ़ेंगे तो भाषांतर नहीं पढ़ने का, कि मल मतलब क्या है, धातु मतलब क्या है। प्रश्न है आपके मन में बहुत सारे, मुझे पता है, हर निरूपण में रहते हैं प्रश्न, वो उसके उत्तर धीरे धीरे देते जाएंगे। यहां तक ठीक है, कितने बजे प्रकोप लू रुकना है, प्रकोप हुई, हाँ प्रकोप हुई, प्रकोप हुई। अब हमने दोष धातु मल इसकी परिभाषा संक्षेप में देखी है, विस्तार से बहुत 2-2 घंटे लेक्चर हो सकता है, संक्षेप में देखी हमने। अब अगला जो विषय है जो हमें आगे संप्राप्ति जब हम शुरू करेंगे, या अगले विषय चिकित्सा के कुछ विषय यहाँ पे पंचकर्म के विषय होंगे, तो उसके लिए प्रकोप पता होना चाहिए, प्रकोप क्या है। अब क्या होता है प्रकोप की एक व्याख्या हम सबको सब जगह पूरे भारतवर्ष में पढ़ाई जाती है, जब शारीरिक क्रिया का लेक्चर होता है, रोग निदान का लेक्चर होता है, तब अध्यापक आते हैं एक बोर्ड पे बर्तन निकालते हैं या बाल्टी निकालते हैं, उसमें पानी गिर रहा है, क्षय हो गया, बाल्टी भर के पानी बाहर निकल गया, प्रकोप हो गया और फिर जमीन पे फैल गया, प्रसर हो गया। ये बाल्टी या बर्तन का जो संदर्भ है, ऐसा संदर्भ मुझे ग्रंथ में आप बताइए कहा है, श्लोक में कहा है, मुझे तो आज तक नहीं मिला, मतलब कितना अल्प स्वल्प पढ़ाई है उसमें नहीं मिला है, अगर आपको पता है तो बता दीजिए। अर्थ वेगा प्रकोप का, ये अर्थ कहां से आया है, कहां से आया है, निकालिए वाग्भट 12वा अध्याय अष्टांग हृदय 12वा अध्याय पृष्ठ क्रमांक 196 कोपस्तु उन्मार्ग गामिता। अन्वय लगाने का याद आ गया मुझे, एक हिंदी फिल्म का गाना है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर में जाना किए रात दिन। अब ये गाना सुना है, पता है, अगर पता तो बोलने के लिए ये नहीं तो कुछ महत्व नहीं उसका। अब दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, और आगे गाना कैसा, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे, वहां पे ब्रेक किया है गाना गाते समय, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर में, ऐसा आगे किया है पर मूल ऐसा नहीं है। दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर में,
ऐसा अपेक्षित है उनको, कवि को फुर्सत ढूंढ रहे, दिल मेरा फुर्सत ढूंढ रहा है कि रात दिन में बैठा रहो तस्वुर में तेरे, पर गाते समय अनवय ब्रेक कर दिया गया, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वुर में, ऐसा कर दिया। ये खुद जिन्होंने लिखा है जावेद अख्तर जी ने खुद बताया है उन्होंने। तो अनवय लगाना बहुत महत्व है। मराठी का तो उदाहरण बहुत अच्छा है पर वो आपको पता नहीं होगा इसलिए वो मजा नहीं आएगा उसमें। हर जगह पे अनवय लगाते समय देखिए कि क्या कोई शब्द नीचे है क्या, क्या ऊपर है क्या। एक सुश्रुत का संदर्भ बाद में निकाल के बताऊंगा मैं, अभी समय नहीं गवाऊंगा, बाद में शाम को बताऊंगा। शारीर स्थान का एक एमडी का थीसिस चल रहा था वागुली में काम करते समय, तो अनवय नहीं लग रहा था, क्या सूत्र आधा ही पढ़ा जाता है, जब पूरा वो पूरा सूत्र पढ़ा ऊपर नीचे से तो पूरा अर्थ स्पष्ट हो गए और फिर उसका थीसिस पूरा हो गया, वो अनुभव हमने लिया था। तो इसलिए अन्वय लगाना बहुत महत्व का है। तो प्रकोप का जो शब्द श्लोक आया, प्रकोप फिर से आते हैं, वाग्भट का 12वां अध्याय उसमें पृष्ठ क्रमांक 196 कोपस्तु, श्लोक क्रमांक 23 कोपस्तु उन्मार्ग गामिता। हाँ, अब कोप की व्याख्या दी है यहाँ पे प्रकोप की, उन्मार्ग गामिता। अब इसकी टीका पढ़ी, उन्मार्ग गामिता की टीका पढ़ी। उन्मार्ग गामिता स्वस्थानम त्यक्त्वा दोषस्य यत् पुनः मार्गांतर गमनम, ऐसा कहते हैं। अब क्या देखो शब्द, हम मराठी लोगों के बारे में बोलता हूं मैं कि जो मैं मराठी मीडियम का हूं तो हम फ्लुएंटली इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि हम सोचते हैं मराठी में और फिर उसका ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं इंग्लिश में और फिर बोलते हैं, फिर आय द दी कुछ गड़बड़ हो जाती है, इस द में क्रियापदों में गड़बड़ हो जाती है। पर जो व्यक्ति इंग्लिश में सोचते हैं वो फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल पाते हैं। हम सब लोगों को स्पेनिश क्यों नहीं आती, हम सब लोगों को हिब्रू क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि हमने उसमें कभी सोचा ही नहीं है, वो हमारे कभी सुनने को भी नहीं आई है। हम छोटा बच्चा होता है उसको क्या ग्रामर पढ़ाते हैं पहले, नहीं पाणिनीय पढ़ो पहले, मराठी का हिंदी का व्याकरण पढ़ो फिर हम आपको बोलने का सिखाएंगे, नहीं वो बोलता है पहले, फिर व्याकरण आगे जाके कभी पांचवी छठी कक्षा में आता है। पहले दो दो शब्द पा बा मा मा ऐसा आता है, फिर आधा आधा वाक्य होता है, फिर पूरा वाक्य बोलता है, फिर बोलने लगता है। इसलिए पहले बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, शब्द कान पे आना चाहिए, सुन सुन के होता है, बराबर है। इसलिए विकृति कहाँ हो रही है, गड़बड़ कहाँ हो रही है कि संस्कृत श्लोकों का अर्थ हम मराठी में हिंदी में अंग्रेजी में ले रहे हैं और हमें जो अर्थ लगता है वो ले रहे हैं। संस्कृत श्लोकों का अर्थ संस्कृत में लेना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, स्वस्थानम त्यक्त्वा अपनी जगह छोड़ के, मार्गांतर गमनम अन्य मार्ग में जाना मतलब प्रकोप, ऐसा भाषांतर सबने किया। टेक्स्ट बुक में जब टेक्स्ट बुक निर्माण हो गए 40-50 साल पहले तो ये सब लोगों ने किया और वही सब भारत में फैल गए, तीन पीढ़ियों से चल रहा है, उससे पहले नहीं था। स्वस्थानम। अब क्या है, एक और चीज हमेशा ग्रंथ पढ़ते समय ध्यान में रखनी चाहिए, उसका नाम है अधिकरण। ये तंत्र युक्ति पहली कि क्या विषय क्या चल रहा है उसके अनुसार श्लोकों के पदों का अर्थ लगाना है। रस शब्द का अर्थ पारत भी है टेस्ट भी है, ठीक है। अगर 6 रसों का वर्णन चल रहा है और मैंने अर्थ किया पारत के 6 प्रकार है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, अर्थ बराबर लिया मैंने रस मतलब पारत, पर अधिकरण गलत हो गया। अब मंदिर में गए, मंदिर में है अभी, और यहां पे मुन्नी बदनाम हो गया, क्या ना डांस करना शुरू कर दिया, चलेगा क्या, नहीं निकाल देंगे यहां से। और क्लब में गए कहीं पे और वहां जय जगदीश हरे करने बैठे बैठो, वहां से भी निकाल देंगे। मंदिर में है तो मंदिर जैसा बर्ताव कीजिए, क्लब में है तो क्लब जैसा बर्ताव कीजिए। अधिकरण है वो जगह है, जिस जगह पे है उस जगह के अनुसार रहना चाहिए हम। वैसे ही ये सूत्र, किसी भी सूत्र का एक उदाहरण अभी आपके सामने है कि किसी भी सूत्र का अर्थ लगाते समय उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, उसको पहले पढ़ना है और फिर अर्थ लगाना है। तो अब ये जो सूत्र है ये जहां पे आया है उसके पहले 17-18 नंबर से अधिकरण बदल चुका है,
ऊपर कौपस्तु में मतलब पीछे यहाँ पे यहाँ जो सो आपके आपका हाथ जहाँ पे वो पड़ी है पृष्ठ क्रमांक 195 इति प्रायेण दोषाणम स्थानानि अविकृतात्मनम मतलब इसके ऊपर 100 श्लोक है 15-16 श्लोक जो है इसमें प्रायः दोषों के प्राकृत दोषों के स्थान जगह का वर्णन कर दिया व्यापी नाम अपि जानी यत् यो व्यापी है देखिए फिर से आ गया सर्व शरीर व्यापी है फिर भी जगह बता रहे क्यों क्योंकि विशेष है कर्माणि च पृथक पृथक अलग अलग कर्म भी बताए हमने मतलब यहां पे एक अधिकरण खत्म हो गया एक अध्याय में कई प्रकार के अधिकरण होते हैं पहला अधिकरण खत्म हो गया दूसरा अगला श्लोक उष्णेन युक्ता रक्ष अब देखिए अधिकरण बदल चुका है क्या कह रहे हैं उष्णेन युक्ता रुक्षाद्या वायुः कुर्वन्ति संचयः वायु का चय होता है उष्णादि गुण के साथ रुक्ष गुण का सेवन कर दिया गया तो वायु का चय होता है आगे शीतेन कोपम उष्णेन शमम स्निग्धा दयो गुणः शीत गुण का रुक्षादि गुण के साथ सेवन किया तो प्रकोप हो जाएगा और स्निग्धादि गुण के साथ उष्ण गुण का सेवन किया तो वायु का प्रशम होगा अगला श्लोक इसी प्रकार से पित्त का है उसके बाद में श्लेष्म का है बस इसका मतलब अधिकरण क्या चल रहा है दोषों के चय प्रकोप प्रशम बता रहे लेकिन वो जगह के अनुसार नहीं बता रहे वो गुणों के अनुसार बता रहे कि रुक्षादि गुण के साथ शीत गुण सेवन किया तो वायु का प्रकोप होगा शरीर में कहा होगा कहीं पर भी होगा शिर से पैर तक कहीं पर भी होगा जहां भी खवे गुण से होगा वहां हो जाए लेकिन करने वाले हेतु कौन से गुण के होने चाहिए इन गुण के होने चाहिए गुण का अर्थ क्या है हेतु रुक्षादि गुण के और शीत गुण के सेवन इकट्ठे किए तो वायु का प्रकोप शरीर में हो सकता है होता है स्निग्धादि गुण और उष्ण गुण का हेतु का सेवन किया जिनको धूप लग रही है वो यहां आगे आके बैठ सकते हैं आगे आके बैठ सकते हैं ये शीत उष्ण व्यत्यास होगा सुबह ठंडी फिर गर्मी व्यत्यास होगा हाँ ये भी लग सकते हो लगा सकते या ऐसे यहां आके थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाइए ये चेयर भी है ऊपर यहां पे भी बैठ सकते हो तो हेतु जिस गुण के है उस गुणों के अनुसार उसका चय प्रकोप प्रशम बताया है चय प्रकोप प्रशम स्थान के अनुसार नहीं बताया है कैसे बताया है हेतु के गुणों के अनुसार बताया है अब आगे चयो वृद्धि स्वधाम्नि एव चयो वृद्धि स्वधाम्नि एव सूत्र क्रमांक 22 चयो वृद्धि स्वधाम्नि एव प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणेच्छा च देखिए क्या कह रहे चय किसको कहेंगे स्वधाम में वृद्धि होना हमने फिर से धाम शब्द का अर्थ घर लिया जगा लिया हमारे घर में किंचित बढ़ना मतलब चय मतलब बाल्टी में किन थोड़ा पानी पड़ना इसको चय किया रुकिए अर्थ लगा धाम का अर्थ देखिए कोश में धाम का अर्थ क्या है जगह है ही घर है ही कुछ और भी अर्थ होते हैं वो देखना पड़ेगा अगर आपने लाया है आपके सामने कुछ कोश है होगा किसी के पास तो ढूंढ के देखिए नहीं है तो मोबाइल में वाचस्पत्यम शब्द कल्पद्रुम के ऐप है उसमें देखिए ठीक है क्या है बताता हूं बाद में देखिए अगला श्लोक क्या है प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु जिस हेतुओं से वृद्धि हो रही है चय में उसका द्वेष होता है और विपरीत गुण इच्छा ठंडी में गरम गरम चाय पीने की इच्छा होती है गरम गरम खाना खाने की इच्छा होती है कंबल ओढ़ने की इच्छा होती है ये क्या है विपरीत गुण इच्छा है या शीत गुण की वृद्धि हो रही है उष्ण गुण की इच्छा होगी इसका अर्थ क्या है वृद्धि किससे जाननी है हमें हेतु के गुण से जाननी है क्योंकि उसके विपरीत गुण का इच्छा हो रही है टीका में भी वही दिया है धाम शब्द का अर्थ और एक गुण भी है अपने गुणों में शरीर में कहीं पर भी अल्प मात्रा में वृद्ध होना इसको चय कहते हैं यह चय शरीर ऐसा है कि वायु का चय केवल पक्वाशय आदि स्थानों में होता है यहां नहीं वात चय होता संधिगत वायु होता है तो यहां चय नहीं होगा पहले नहीं पहले पक्वाशय में होगा फिर यहां होगा
अब कोप की व्याख्या है, उसके बाद में अगले अधिगण क्या चल रहा है, मतलब क्षय प्रकोप प्रशम हेतु के गुणों के अनुसार बता रहे। क्षय का वर्णन हुआ, अब कोप का उन्मार्ग गामी था, स्वस्थानम त्यक्तवा दोषस्य मार्गांतरगमनम, हमने स्थान का अर्थ जगा लिया और अर्थ किया अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में जाना, मतलब प्रकोप। अगर यह अर्थ है तो मैं एक उदाहरण बताता हूं। फर्स्ट ईयर का फ्लोर है कॉलेज में, तीन डिपार्टमेंट में क्रिया संहिता रचना, सारे अध्यापक संहिता के संहिता में, क्रिया के क्रिया में, रचना के रचना बैठे हैं, काम कर रहे हैं। दोपहर के खाना खाते समय रचना और क्रिया के अध्यापक संहिता में खाना खाने के लिए आएंगे, तो उनका प्रकोप हो गया, अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में आ गए, खाना खा लिया, खाना खा के फिर से अपने डिपार्टमेंट में चले गए, प्रशम हो गए। मतलब वायु पक्वाशय छोड़ के जब आमाशय में जाता है तो उसका प्रकोप होता है, फिर हम चिकित्सा कर उसको फिर से पक्वाशय में लाके बिठाते हैं, उसका प्रशम होता है। यही चल रहा है सब जगह, यही अर्थ बताते हैं, टेक्स्ट बुक में यही अर्थ दिया है, और फिर इसकी गति उसकी गति पर चर्चा करते बैठते हैं। हमने पहले देखा कि दोष कैसे है, सर्व शरीर चर, आमाशय में वायु है पहले से, उरस्थान में वायु है, शिर में है, पैरों में है, तो पक्वाशय से जाएगा तो वहां पे होगा ना कोई, तो पहले मतलब वायु सर्व शरीर में है पहले से ही है, तो कहीं तो गलती हो रही है, बराबर है। मतलब श्लेष्मा उर श्लांश छोड़ के आमाशय छोड़ के जाएगा दूसरी जगह तो प्रकोप, और फिर से उसको आमाशय में लाना, इसको क्या कहेंगे, प्रशम कहेंगे। तो वमन भाई क्यों देते हो आप, वमन वो निकाल देते हो आप। अगला, अगर प्रकोप अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में जाने पर होता है तो वहीं पे वायु की पित्त की विकृति व्याधि होनी चाहिए, बराबर है। इसका अर्थ वात व्याधि पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्श निंद्र में होनी नहीं चाहिए, तो भाई बस्ती क्यों देते हो पक्वाशय में, जहां पे वातु विकृति हुई वहां दे दीजिए चिकित्सा के लिए, यहां दीजिए बस्ती है ना, आमाशय में दीजिए बस्ती, यहां क्यों देते हो, मुद्दा समझ में आ रहा है। श्लेष्मा कहीं पर भी विकृत हो शरीर में वमन देते हम, अपने स्थान के नजदीक से निकालना, अब वो स्थान में है ही नहीं, प्रकोप में अगले स्थान में जा रहा है तो आप यहां से क्या निकालोगे, समझ में आया, क्या गलती कहां हो रही है। अब निकलिए चरक सूत्र स्थान चैप्टर 20 सूत्र 8, यहां पे वायु के स्थान बताए, सभी दोषों के स्थान बताए, पेज नंबर 113। तेषां त्रयाणाम अपि दोषाणाम शरीरे स्थान विभाग उपदेक्षते। अब ये क्यों बता रहे हैं, इसके पहले आगे बताया है सर्व शरीर चरा, अगले श्लोक है श्लोक 9, बराबर है। अब ऊपर स्थान बता रहे हैं, इसके टीका का पहला वाक्य देखिए, आगंतो निजयो भेदगम लक्षणम अभिधाय निज विकार करणम वातादीनाम भेदन ज्ञानार्थम आह तेषाम इत्यादि। इसके ऊपर के श्लोकों में आगंतु निज के वर लक्षण दिखाए हमने, आगंतु क्या करता है, निज कैसा होता है, उसके लक्षण दिखे। अब इसके बाद में निज विकार करने वाले जो दोष है उनका भेद ज्ञान समझने के लिए हम उसका स्थान बता रहे। वैसे दोष कैसे है, व्यापिनाम अपि सर्व शरीर में, फिर भी दोष बता रहे। अब इसकी टीका का अगला पढ़िए कि यद्यपि प्राणादि भेदं भिन्नस्य वायुः पृथक एव स्थानानि वक्षति, यथा स्थानं प्राणस्य शीर्षुः उरः कंठ जिह्वास्य नासिका। मतलब यहां पे जो स्थान नहीं बताया है वो अन्यत्र हमने बता दिए है, इसका अर्थ यही स्थान वायु के है ऐसा नहीं है, तो ये क्यों बताया, आगे पढ़िए इत्यादि। तथा अपि इदं
वैशेषिकम ये वैशेषिक स्थान है, वायु सर्व शरीर में है लेकिन इसके वैशेषिक स्थान है। वैशेषिक अर्थ मतलब विशिष्ट, ये क्यों विशिष्ट है उसका कारण आगे बता रहे। यत्रो अत्र प्रायो वात विकार भवन्ति, यही प्राय वात विकार होते हैं। हुए तो भूताश्च दुर्जयाः, कठिन होते हैं, और अत्र अवजिते, अत्र च विजिते वाते सर्व वात विकार अवजयः इति, यहां पे अपने वायु को शांत किया तो शरीर के सारे वायु की विकृति अपने आप शांत होती है। उदाहरण सिद्धिस्थान मर्म में नौवां अध्याय जो मनोत्री मर्म, अभी निकालने में समय नहीं गवाएंगे हम, बाद में दिखा रहा हूं। वहां सारे मर्मगत व्याधि की चिकित्सा बस्ती बताई, वो एक सिर थे ना जस्सी जैसी कोई नहीं, वैसे यहां बताया है बस्ती जैसी कोई नहीं। बस्ती समम किंचित मर्म परिपालनम अस्ति, ऐसा श्लोक है। मर्म का परिपालन करना, देखिए व्याधि शिर में है, चिकित्सा कहा बस्ती, दर्द कहा दवा कहा, व्याधि हृदय में है बस्ती में है, मर्म प्रदेश में है चिकित्सा व्याधि बस्ती। त्रिमर्मों का वर्णन है ना प्राय अध्याय, शिर हृदय बस्ती और बाकी के 107 मर्मों का भी वर्णन किया है, सभी की चिकित्सा प्राय क्या है बस्ती। सूत्र क्रमांक 7 पृष्ठ क्रमांक 717 717 सिद्धि 9 अध्याय 9 सिद्धिस्थान अर्थात त्रिमर्मीय सिद्धि व्याख्यास्याम। सूत्र है किंतु एतानि विशेषतो अनिल रक्षाणी अनिलो ही पित्त कफ समुदीरणे हेतु प्राणमूलम च स बस्ती कर्म साध्यतमः तस्मान् न बस्ती समम किंचित कर्म मर्म परिपालनम अस्ति। बस्ती जैसी कोई नहीं वात व्याधि में, क्या संबंध है? ये संबंध है क्योंकि ये जो स्थान बताए पक्वाशय कटी शक्ति श्रोतागारम वगैरह वगैरह, यहां प्रायः वात विकार होते हैं। और हम प्रकोप की जो व्याख्या करते हैं कि अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में जाना मतलब प्रकोप, तो उससे क्या अर्थ निकलता है कि इस स्थान में व्याधि नहीं होने चाहिए। तो एक तो चरक गलत है या हम गलत है, चरक कभी गलत नहीं, मतलब मेरी तो पात्रता नहीं ऐसा कहने के, हम कहीं तो गलती कर रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया? चरक सभी ग्रंथ, अभी चरक का संदर्भ बताया, ऐसे सभी ग्रंथकारों का मत है कि जहां पे प्रकोप होता है वहां व्याधि होती है क्योंकि वो विशेष वहां व्याधि होती है। और हम कहते हैं कि प्रकोप मतलब अन्य स्थान में जाना मतलब प्रकोप मतलब वहां पे व्याधि नहीं होनी चाहिए क्योंकि जहां जाएंगे वहां व्याधि करेंगे ना, वहां प्रकोप किया है तो अपने स्थान से निकल गए तो वहां व्याधि कैसे करेंगे। मुद्दा समझ में आ गया? इसका अर्थ हमारा श्लोक का अर्थ लगाने में कहीं गलती हो रही है। जैसे हमने देखा कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वैसे क्या स्थान शब्द के कुछ और अर्थ है क्या? एक जगह अर्थ है दिया है, यहां पे भी दिया है, एक और अर्थ स्थान का है। निकालिए चरक सूत्र स्थान अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 112। चरक सूत्रस्थान अध्याय 17 पेज नंबर 105। क्षयस्थानम च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गति, गति है स्थान। अब एक जगह गति कैसे हो सकती है, प्रश्न आना चाहिए था मन में कभी। इसका एक उत्तर ऐसा हमें मिला था, एक मैंने जब पूछा था, मैं स्टूडेंट था तब, कि अपने जगह में गति जाना मतलब गति करो। अरे भाई ये तो पहले से सर्व शरीर चल रहे, सब जगह गति कर ही रहा है, तो स्थान का अर्थ क्या है? क्षय ये भी गति है, वृद्धि ये भी गति है, और स्थान ये भी गति है। अब इसकी टीका देखिए चक्रपाणी की। स्थानम स्वमान अवस्थानम, देखिए स्व मतलब खुद का, मान मतलब प्रमाण, अवस्थान रहना, अपने प्रमाण में रहना मतलब कब, प्राकृत अवस्था में। प्रमाण तीन प्रकार का होता है, द्रव्यतः क्वालिटेटिव सॉरी क्वांटिटेटिव, गुणतः क्वालिटेटिव, और कर्मतः फंक्शन। मतलब क्वांटिटी क्वालिटी और फंक्शनली अपने प्रमाण में रहकर शरीर में संचार करना
इसको स्थान गति कहते हैं। गति ही प्रकारो अवस्था वा, गति का अर्थ घूमना तो है ही, प्रकार और अवस्था भी है, मार्ग भी है। ठीक है, अब एक ग्रंथ है चक्रपाणी की 108 गलतियां, अब नहीं मिलता वो, तो उन्होंने पीछे ले लिया ग्रंथ, क्योंकि मुझे एक बार पता एनआई में लेक्चर चल रहा था, निरूपण चल रहा, मैं और सर भी थे, और हर निरूपण में हम सफाई करते हैं इस ग्रंथ की, कि हम इतने होशियार हो गए कि हम चक्रपाणी की गलतियां निकाल रहे हैं। ऐसा ग्रंथ नहीं लिखेंगे चक्रपाणी की 108 अत्यंत सुंदर टीका है, नहीं, गलतियां निकले, और वो भी हमें लग रही है नहीं गलती। टीकाकार ये संस्कृत तज्ञ थे, वैद्य नहीं थे, पेशेंट देखते नहीं थे। चक्रपाणी के कम से कम 10 जगह ऐसे बताऊंगा कि एक अत्यंत उच्च कोटि का चिकित्सक ही ऐसे टीका लिख सकता है, बिना पेशेंट देखे लिख नहीं सकते हो, कम से कम बात पूरी टीका ही वैसी है। उन्होंने जो आहार के जो सॉरी भेषज कल्पनाओं का वर्णन किया है वो घर में बैठे बैठे नहीं लिख सकते, शब्दार्थ नहीं है वो, क्वात का स्वरस का जो वर्णन किया है उन्होंने पूरा क्लिनिकल वर्णन किया है चरक ने, चक्रवाणी ने, घर में बैठे बैठे संस्कृत के केवल अध्ययन पे नहीं लिख सकते, उसके लिए चिकित्सक की होना ही आवश्यक है। और आजकल चिकित्सा टीका क्यों नहीं लिखी जाती है, क्योंकि उस प्रकार से कोई चिकित्सा ही नहीं करता। आखिरी टीका ज्योतिषन सरस्वती जी की है 20th सेंचुरी में बंगाल में, उसके बाद में टीका नहीं लिखी क्योंकि सारा दिमाग मॉडर्न से भरा हुआ है, तो टीका नहीं लिया, अब कोई लिख नहीं पाएगा। तो वो क्या, चलो मान लेते हैं कि चक्रपाणी ने गलती की होगी, यहां पे सुश्रुत निकालिए, सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 41 सूत्र 12 अंतिम श्लोक है उसका। अब सुश्रुत भी सारे अध्याय रिकॉर्ड हो चुके हैं वर्ड टू वर्ड, यूट्यूब पे धीरे धीरे उपलब्ध होंगे आपको, पेज नंबर 41 पेज नंबर 183 बारहवा गुणा युक्ता द्रव्येषु सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 41 श्लोक नंबर 12 भवति चात्र गुणा य उक्ता द्रव्येषु शरीरेषु अपि ते तथा स्थान वृद्धि क्षयास्तस्मात् देहिनाम द्रव्य हेतुकाः। गुणा य उक्ता द्रव्येषु शरीरेषु अपि ते तथा, यहां गुण शब्द का अर्थ महाभूत है। अगला एक गुण का अर्थ क्या देखा हमने, शरीर घटक, गुण मतलब क्वालिटी, ये पता है हमें। अब यहां तीसरा अर्थ मिलता है गुण का, महाभूत, महाभूतों को भी गुण कहा गया है संहिता में। तो गुणा ये उक्ता द्रव्येषु शरीरेषु अपि ते, जब द्रव्यों में और शरीर में जो महाभूतों का परमिटेशन कॉम्बिनेशन बताया गया है, स्थान वृद्धि क्षयात् तस्मात् देहिनाम द्रव्य हेतु का, तो शरीर में स्थान वृद्धि क्षय जो होते हैं वो द्रव्यों के कारण होते हैं। अब द्रव्यों का कारण स्थान कैसे होगा, दोषों का, धातु का, मलों का, द्रव्यों के कारण, जो द्रव्य हम पानी सेवन करेंगे, दही सेवन करेंगे, खाना खाएंगे, उसमें शरीर में दोषों का, धातुओं का, मलों का क्षय स्थान वृद्धि होगी। क्षय वृद्धि समझ सकते हैं, बढ़ेगा कम, स्थान कैसे होगा। अब इसकी टीका देखिए, दलहन की टीका देखिए, गुणा इत्यादि गुणा विंशति अधिका वा, छोड़ दीजिए वो स्थान, स्थानम दोष धातु मल साम्येन अवस्थानम, स्थान मतलब क्या, दोष धातु मल साम्येन अवस्थानम। यहां पे अभी इन्होंने टीका पढ़ी है, आप किसी के मन में प्रश्न आया होगा कि यहां विंशति गुणा लिखा है, पर वो टीका अव्याप्त है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि अगर पहले से पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो महाभूतों का वर्णन है, केवल 12 श्लोक का अध्ययन है अध्याय, पहले से पूरा अध्ययन अध्याय पढ़ेंगे तो महाभूतों का है, गुण का व्याख्या महाभूत भी है, चरक में भी शारीर स्थान के एक अध्याय में गुण का अर्थ महाभूत दिया है,
या सुश्रुत में भी पहले एक अध्याय में गुण का अर्थ महाबुद्धि है। तो क्वालिटी तो है ठीक है, वो किन की? महाबुद्धों की। विंशति गुण किन के? महाबुद्धों। दोनों अर्थ है, मतलब एक नियम है कि स्थाई और स्थान और स्थानी दोनों का अर्थ है, उसको कल्पना कहते हैं। जो ताच्छिल्य कल्पना आदि में है उसमें कल्पना है कि स्थान और स्थानी दोनों का अर्थ लेना पड़ता है, उस प्रकार से थोड़ा वो क्लिष्ट है, आगे जाएंगे। अभी हमारा जो विवेचन विषय है वो है स्थान का अर्थ है दोष धातु मल साम्यन अवस्थानम, अपनी साम्यावस्था में रहना और साम्यावस्था में रहकर शरीर में संचार करना, इसको स्थान कहते हैं। स्थान का अर्थ प्राकृत अवस्था, ठीक है। अब कोप की जो व्याख्या देखी, स्वस्थानम त्यक्त्वा, अपनी प्राकृत अवस्था छोड़ दी, अन्य मार्ग में जाना, मतलब एक तो क्षीण होना या वृद्ध होना, मतलब प्रकोप। ये हमने ऊहन किया, इसको क्या कहते हैं? ऊहन तंत्र। आज तक ऊहन किया, अब ये फिट बैठता है कि अपनी प्राकृत अवस्था छोड़ दी तो एक तो वो क्षीण होंगे या वृद्ध होंगे, तो उसको प्रकोप कहेंगे। अब इसके लिए संदर्भ चाहिए तो ही इसके ऊपर मोहर लग सकती है। अब निकले शरक शारीर छे, दो बार निमंत्रण आ चुका है खाने का, इसे जल्दी कदम करके अगले लेक्चर में उर्वरित ले लेंगे। शरक शारीर सातवां अध्याय, सॉरी सिक्स चैप्टर, सुबह सूत्रा भी देख रहे थे मल का, 17 या 15 नंबर का श्लोक है, 17। उसमें टीका में, चक्रपाणी की टीका में कुपित शब्द की टीका है, बीच में एक लाइन है, कुपितश्च इति पदेन वातादयः सामान्येन क्षीणा वृद्धा वा गृह्यन्ते। क्या कह रहे? कुपितः च इति पदेन, कुपित शब्द से क्या अर्थ लेना है? वातादयः दोषों का, सामान्येन प्रायः क्षीणा वृद्धा वा गृह्यन्ते, जो हम ऊहन कर रहे थे संदर्भ में। एक तो उसका क्षीण होगा, वा है ना, एक मतलब विकल्प आ गया, एक तो क्षीण होगा या वृद्धि होगी, यही प्रकोप है। प्रकोप मतलब केवल बढ़ना नहीं है, क्षय यह भी प्रकोप है। मन में प्रश्न है जो पहली बार सुन रहे हैं, पता है, प्रश्न भी पता है क्योंकि बहुत बार हुआ है, बताता हूं। अगला वाक्य पढ़िए उसी टीका का, विकृति मात्रम ही वातादिनम प्रकोपः, विकृति मात्रम ही वातादिना कोपः। प्राकृत अवस्था में किसी भी प्रकार की विकृति आना, यही प्रकोप है, ठीक है। अब चरक सूत्र स्थान अध्याय 9:4 जो सूत्र पहले पढ़ा हमने, विकारो धातु वैषम्य, पृष्ठ क्रमांक 62। विकारो धातु, अब धातु की टीका हमने पढ़ी थी, अब वैषम्य की टीका पढ़ी है। वैषम्यम स्वास्थ्य हेतु हो व्यवहारियमाण, बरोबर, व्यवहारियमाणम स्वास्थ्य, व्यवहारियमाण मतलब क्या, फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, स्वास्थ्य के हेतु छोड़ देते 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 क्या होता है, स्वमानत पंचमी, न्यूनत्व, अपने प्राकृत अवस्था से एक तो न्यून या अधिकत्व, इसको वैषम्य कहते हैं। फिर से वही कह रहे हैं, क्षीण या वृद्ध, वैषम्य प्रकोप एक ही, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक ग्रंथ का संदर्भ बताता हूं, संदर्भ है रस वैशेषिक सूत्र और ग्रंथकर्ता है नागार्जुन। नागार्जुन का नाम और रस वैशेषिक नाम होने से जब ग्रंथ आता है लाइब्रेरी में तो रसशास्त्र के कब्बड़ में जाता है, पर उसका रसशास्त्र का कुछ संबंध नहीं है, वो ग्रंथ निदान का है, द्रव्य गुण का है, चिकित्सा का है। उसमें प्रकोप की व्याख्या है, लिख लीजिए, स्वस्थ वृत्ति प्रसंगात, स्वस्थ वृत्ति प्रसंगात च्युत एव प्रकोपः। पूरा श्लोक तो बहुत सुंदर है, अगर मिलेगा मुझे फोटो वगैरह तो मैं दिखा दूंगा। स्वस्थ वृत्ति प्रसंगात च्युत मतलब क्या, स्वस्थ वृत्ति मतलब प्राकृत, अपने प्राकृत अवस्था ढल जाना, यही प्रकोप है। अब क्षय यह प्रकोप हो सकता है दिमाग में, पढ़ाई नहीं किसी ने, देखिए जो दोषों के भेद बताए 62 उसमें
25 में दोष वृद्धि के है, 25, और 25 में दोष क्षय की भी है। यथा वृद्धि तथा क्षीण ही दोषयस्यु पंचविंशति, 17वें अध्याय में श्लोक है। क्यों बताए दोष क्षय भेद, क्यों बताए? चक्रवाणी की टीका बता दे उसके लिए कि दोष क्षय से व्याधि संप्रति नहीं होती, ऐसा चक्रवाणी की टीका बताते हैं। उसकी टीका ऐसी है कि जैसे दोष वृद्धि से संप्रति होती है, उस प्रकार से दोष क्षय की संप्रति नहीं होती। इस कारण संप्रति नहीं होती ऐसा नहीं है, अलग संप्रति होती है। मैं कहूंगा कि ये गाना गाती है, ठीक है, लता मंगेशकर जैसा नहीं गाती, इसका अर्थ गाना गाती नहीं ऐसा नहीं है, उनके जैसा नहीं गाती, उसके उसका स्वर अलग है, गला अलग प्रकार का है, उनके जैसे। ये टीका लिखने की पद्धति है, ठीक है। तो ये सारे संदर्भ से प्रकोप का अर्थ क्या समझा हमने, अपने प्राकृत अवस्था में किसी भी प्रकार से विकृत होना, इसका अर्थ प्रकोप है, मतलब विकृति ही प्रकोप का अर्थ है, और उसमें क्षय वृद्धि, क्षीण होना या वृद्ध होना, ये प्रकोप है। इसमें और भी आगे कुछ संदर्भ है, वो हम अगले कल के या शाम को सेशन मिलेगा तब उसमें पूरा करेंगे।